तो आज हम फॉरेक्स सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, रिसीविंग इंस्पेक्शन, मटेरियल को रिसीव्ड कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं मानता हूं कि यहां पे बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं कि वहां पे रिसीविंग इंस्पेक्शन करना थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन टाइप का लगता है। बहुत सारे क्वालिटी इंस्पेक्टर को यह प्रॉब्लम होता है कि भाई मटेरियल रिसीव करना ही नहीं आता है, उसी की वजह से वो क्वालिटी के इंस्पेक्टर के जॉब करने से डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को जॉब मिल भी गया है तो भी वो क्या करते हैं, डरते डरते जिएंगे, डरते डरते काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में है ना वही चक्कर फिट रहता है, मुझे मटेरियल को रिसीव करना नहीं आता है, मटेरियल को रिसीविंग कैसे करेंगे, मटेरियल को कैसे कैसे चेक किया जाता है वो हमें पता नहीं है। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम अगेन फॉरेक्स सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन। इनकमिंग मतलब मटेरियल जब आता है, मटेरियल हमारी कंपनी के अंदर एंट्री करता है, तब क्वालिटी का ड्यूटी स्टार्ट। तो ये जो क्वालिटी का ड्यूटी है ना, वो आज हम लोग समझाने आपको जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है। देखो ये फ्लैंज है, ये क्या है, फ्लैंज है, ये ग्राइंडिंग मशीन वगैरह है, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, गास्केट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, नटबोल्ट वगैरह है ना, स्टार। ऐसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल है, ये क्या है भाई, एल्बो है ना, बहुत सारे मटेरियल मेरे पास पड़े हुए हैं, पाइप्स है, प्लेट्स है। हम लोग आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मटेरियल का रिसीविंग इंस्पेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मटेरियल जब हमारी कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं तब हम लोग कहां कहां पे गलती कर सकते हैं, रूल्स क्या है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए, मैं हूं विशाल धामेलिया, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग एवरी बैच में आते हैं और कुछ कुछ लोग तो पुराने बैच वाले भी अभी वापस आने लगे हैं, है ना। कौन से बैच से थे सर आप, कौन सा, एनडीटी के 5 अगस्त वाले बैच में, अगस्त वाले भी बैच में, ये नवंबर वाले बैच में रिपीट हुए, अक्टूबर वाले बैच में रिपीट हुए, समझ में आया ना। नवंबर तो आने वाला है, 26 नवंबर को नया बैच स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे अजय रावल सर का नंबर है, यहाँ दीपेश पटेल सर का नंबर है, उन लोगों को यहाँ पे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो मोड है वो ऑनलाइन वाला भी है एंड ऑफलाइन वाला भी है, दोनों मोड से चल रहा है। ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में कौन कौन लोग जुड़े हैं, पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए हैं, कनाडा से भी लोग जुड़े हुए हैं, कनाडा से भी हमारे इंडियन लोग वहां पे जाते हैं तो वहां पे इंस्पेक्शन करते हैं ना, तो आज कनाडा से भी लोग जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको बिलीव देता हूं, आपको नाम के साथ प्रेजेंट करेगा, लोग सऊदी अरबिया से, कतर से, ओमान से भी लोग जुड़े हुए हैं। बात समझ में आया आज के ऑनलाइन सेशन में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जिन लोगों को जो भी नेक्स्ट बैच का डिटेल चाहिए वो यहां से इन लोगों से मिल जाएगा। देखो पहले तो स्कोप, हम लोग मटेरियल जब रिसीव करते हैं तो ये जो मैंने प्रोसीजर एक सैंपल के तौर पे बनाया है वो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं। कोई भी प्रोसीजर बनाते हैं ना तो आपको सबसे पहले टाइटल में क्या डालना पड़ेगा, स्कोप, क्योंकि ये प्रोसीजर कहना क्या चाहता है ये प्रोसीजर। और मैं आपको इसके लिए ये इसके हिसाब से समझा रहा हूं क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको वो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, रिसीविंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। तब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि हाँ वो विशाल साहब ने बोला था ना, विशाल भाई ने बोला था कि वहां पे ऐसा पहले स्कोप डालना है, तो बस और कुछ नहीं, स्कोप डाल दो, वरना एक काम करो मेरे को कॉल करो, मैं आपको प्रोसीजर एडिटेबल दे देगा, ऊपर अपनी कंपनी का नाम डालो, कंपनी का लोगो डालो, नीचे प्रिपेयर्ड बाय, थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपका कंपनी का कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट तो वो डाल दो, मेरे पास बनाया हुआ रेडी है। समझ में आया, बहुत सारे मटेरियल का, बहुत सारे इंस्पेक्शन का हम लोगों को ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेरे पास अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोसीजर है, तो वो लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, दीपेश पटेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको तो पता है ना वो चलता फिरता डिक्शनरी है, कैसा है, चलता फिरता डिक्शनरी है ना, कभी भी कुछ भी बोलेंगे तुरंत वहां ऑयल एंड गैस सेक्टर रिलेटेड होगा वो। फिर आप बोलेंगे साहब हमको सिविल फाउंडेशन का स्ट्रक्चर का ड्रॉइंग चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो सिविल रिलेटेड, ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैकेनिकल प्रोडक्शन मरीन ये सब रिलेटेड होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्कोप, दिस प्रोसीजर डिस्क्राइब
ये प्रोसीजर क्या डिस्क्राइब करता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कैसे इंस्पेक्शन करना है, किसका, तो कि इनकमिंग मटेरियल का। मटेरियल जब इनकमिंग होता है कंपनी के गेट के ऊपर आता है, चलो भाई आपका इतने फ्लेंज आपने मंगवाया था वो आ गया, इतना फोर्जिंग मंगवाया था वो आ गया, इतना एल्बो मंगवाया था आ गया, इतने गास्केट मंगवाया था आ गया, वो सब चीज का इनकमिंग मटेरियल जो है उसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कैसे मेथड से इंस्पेक्शन करेंगे वो, या तो रिसीव्ड मटेरियल, या तो प्लेट है, या तो पाइप से, फोर्जिंग्स है, फ्लैंज है, फास्टनर एंड गास्केट है, ये सब चीज का आपको इंस्पेक्शन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, अभी आप बोलेंगे गास्केट, तो गास्केट का पूरा डिटेल में हम लोग कुछ टाइम के बाद डिस्कस करने वाले, कुछ मतलब आज नहीं, गास्केट कैसा मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या क्या गलती होता है, कैसे लेंथ विड्थ डायमेंशन चेक करना है, वो पूरा फ्लैंज फोर्जिंग्स पाइप्स फास्टनर प्लेट्स वो सब चीज का हम ये 18 दिन के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले। खाली यही डिस्कस नहीं करने वाले कि रिसीविंग इंस्पेक्शन कैसे करना है, लेकिन पाइप को कैसे मटेरियल चेक करते हैं, एमटीसी कैसे चेक किया जाता है, वो बहुत सारा पाइप प्लेट फोर्जिंग वो सब का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो अभी समझा रहा हूं ना वो रिसीविंग इंस्पेक्शन है। किसका रिसीविंग है, तो यहाँ पे इनकमिंग मटेरियल, रिसीविंग इंस्पेक्शन या तो फिर इनकमिंग मटेरियल, ठीक है। ओके, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये प्रोसीजर बनाने के लिए भी, ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने के लिए भी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई क्वालिटी मैनेजर तो रिस्पॉन्सिबल ही होगा, क्वालिटी मैनेजर है ये प्रोसीजर बनाता है या तो फिर अप्रूव्ड करता है, क्या करता है, अप्रूव करता है, जनरली वो अप्रूव करता है, क्या करता है, अप्रूव करता है, और बनाता कौन है, क्वालिटी इंस्पेक्टर बनाता है, वो पूरा एकदम चकाचक एज पर प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाएगा। बनाने के बाद वहां नीचे लिखेगा प्रिपेयर्ड बाय, आपका क्या नाम है, अजित कुशवाहा, प्रिपेयर्ड बाय, आपका क्या नाम है, अनिल कुमार, ऐसा करके जो भी एक्स वाई जेड जो भी नाम है वो सब चीज वहां पे डालेगा, प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, रिव्यूड बाय, ऐसा करके होता है ना, पहले प्रिपेयर्ड बाय होता है, फिर रिव्यूड बाय होता है, फिर अप्रूव्ड बाय होता है, है ना, तो ऐसे करके आपको ये बनाना है, तो रिस्पॉन्सिबल। ओके, इंस्पेक्शन इंजीनियर भी रिस्पॉन्सिबल है ना, ये भी। अभी आप बोलेंगे रिसीविंग इंस्पेक्शन में या टीपीआई कहां से घुस गया, तो भाई जिसका क्लाइंट कोई है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने एलएनटी को काम दिया, किसको दिया काम, एलएनटी को। अभी रिलायंस क्या करेगा, एलएनटी को बोलेगा भाई आपका रिसीविंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर भेजो, हमको अप्रूव तो करना पड़ेगा ना, और वैसे भी एलएनटी वाला भी खुद क्या करेगा, रिलायंस को प्रोसीजर बना के पूरा सब चीज करके भेजेगा कि सर हमारा प्रोसीजर है अप्रूव कर दो सर, ऐसा नीचे ही रहेगा क्योंकि वो क्लाइंट है ना, कि नहीं समझे बात। एलएनटी वाला रिलायंस को प्रिपेयर्ड करके, रिव्यू करके, सब चीज करके भेजेगा, फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगा, क्लाइंट के पास जाएगा, रिलायंस के पास जाएगा। रिलायंस क्या करेगा, हाँ भाई मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाँ सब ठीक है, अरे यार यहाँ पे लोचा है, थोड़ा राउंड ऐसा राउंड मार के वो भेजेगा, यहाँ पे गलत लिखा है, वर्डिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, या तो मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा चाहिए था आपने ऐसा घुसेड़ा है, ये नहीं चलेगा, ऐसा करके वो क्वेरी भेजेगा, क्या करेगा, क्वेरी भेजेगा। वो क्वेरी फिर कौन सॉल्व करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्टर, मतलब एलएनटी क्या क्वालिटी इंस्पेक्टर है, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, वो सॉल्व करेगा, फिर सॉल्व करके वापस भेजेगा, सर आप तो ओके है ना, मैंने मेल भी किया है, फिर वो आप कॉल से भी बात करेंगे, इंडिया में है तो आपको कॉल भी करना पड़ेगा, सर मैंने मेल भेजा है आप देख लो रिसीविंग इंस्पेक्शन, फिर वो वहां से देखेगा हाँ अब ठीक है, अब वो फिर अपना स्ट्राइन और चैम्बर, इसको बोलते हैं अप्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, अप्रूव हो गया, तो उसके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल है। स्टोर सुपरवाइजर और इंजीनियर वो सब लोग भी ये प्रोसीजर को इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओके, रेफरेंस किस चीज का लेंगे, रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल एएसएमई सेक्शन 2A, एएसएमई सेक्शन 2A फेरस मेटल के लिए, 2B नॉन फेरस मेटल के लिए, 2C इलेक्ट्रोड फिलर, ये सब चीज के लिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, वो सब चीज के लिए आज मैं प्रैक्टिकली आपको एक रिसीविंग इंस्पेक्शन समझाएगा, प्रैक्टिकली आप एक रिसीविंग इंस्पेक्शन यहां करके दिखाएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, बात समझे कि नहीं समझे। ओके, एएसएमई के हिसाब से भी है, एएसएमई B16.20 मेटालिक गास्केट फॉर पाइपिंग फ्लैंज, ये मेटालिक गास्केट का पाइपिंग फ्लैंज के लिए है। अगर अगर B60.5 है, 1.5 इंच से लेके 20 इंच तक का पाइप फ्लैंज होगा या तो फिर फिटिंग्स होगा तो किसके अंदर दिया गया होगा। ओके, ये सब चीज है क्या, ये हमारे माई बाप लोग है, क्या है,
ये हमारा संविधान है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ये संविधान के हिसाब से इंस्पेक्शन करना है, हमारे मन में आया ऐसा इंस्पेक्शन करना नहीं, वो आने वाले टाइम में मैं आपको समझाएगा। बी 16.47 है, वो 26 इंच से लेकर 60 इंच का होगा, तो लास्ट डायमीटर का फ्लैंज होगा, तो उसके लिए इसमें होगा। यहाँ पे बी 16.9, बी 16.11, बी 16.28, ये रॉ स्टील के लिए और कस्टमर स्पेसिफिकेशन भी देखना है और ड्राइंग और स्केचेज वगैरह देखना है, ठीक है। ये सब चीज होने वाला है। अभी प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हमारे इंडिया में मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा, रिसीव गुड्स रिसीप्ट नोट जो होती है ना, वो प्लानिंग इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियर दौड़ के आ जाते हैं, साहब जल्दी साइन करो, जल्दी साइन करो, क्यूसी के पास आते हैं। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, साहब जल्दी आओ, हाथ प्रॉपर ऊपर करो, प्रॉपर ऊपर करो हाथ। देखो इतने सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई जल्दी साइन करो। आपको पता है आपका एक साइन का वैल्यू क्या है, अभी आज मैं समझाता हूं आपको। गुड्स रिसीप्ट नोट होता है, गुड्स रिसीप्ट नोट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे GRN बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, GRN बोलते हैं। आता होगा, बहुत सारे लोगों के पास आता है, और GRN है वो अगर आपने साइन किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने रिसीविंग इंस्पेक्शन ओके कर दिया, उसका मटेरियल भी ओके है, उसका MTC भी ओके है, सब चीज ओके है, और उसका पेमेंट भी कहां से, आप पेमेंट के लिए भी एग्री हो रहे, इसका मतलब भी ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ लो XYZ कंपनी से मैंने फ्लैंज खरीदा, क्या खरीदा, फ्लैंज खरीदा, मैंने करीबन 100 फ्लैंज खरीदे, कितने फ्लैंज खरीदे, 100 फ्लैंज। अभी 100 फ्लैंज का एक GRN बनेगा कि भाई 100 फ्लैंज है, ये इसका MTC के हिसाब से ये है, ये सब ओके है, ऐसा करके अभी परचेज डिपार्टमेंट या तो प्लानिंग इंजीनियर दौड़ के आपके पास आएगा। क्यों क्यों आपके पास आएगा, जब तक रूल्स ऐसा होता है, जब तक GRN साइन नहीं होता है, तब तक जहां से मटेरियल लिया है उसको पैसा मिलेगा, कुछ परसेंट तक का पैसा मिलेगा नहीं। अभी आप जल्दी में हड़बड़ी में क्या करेंगे, साइन कर देंगे, हड़बड़ी में साइन करेंगे तो क्या लोचा होगा, लोचा तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो क्या होगा, वो सबमिशन किसको करेगा, परचेज डिपार्टमेंट किसको करेगा कि भाई जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको भी करेगा, उसका एक कॉपी अकाउंट डिपार्टमेंट को जाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट देखेगा GRN तो साइन हो गया, QC का साइन है, ओके कितना है, 25 लाख, ठीक है रिलीज, खट से मारेगा सीधा उसके खाते में कितना जाएगा, 25 लाख जाएगा। समझ में आया। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऐसा होता है तू मेरा फ्रेंड, तू मेरा भाई, तू मेरा दोस्त, साइन कर दे, और क्वालिटी इंस्पेक्टर भी फ्रेशर, कैसा होगा, फ्रेशर होगा, वो फ्रेशर भी क्या है, कुछ देखेगा देखेगा नहीं और साइन कर देगा। GRN आया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं समझाता हूं, जब कोई भी मटेरियल हमारी कंपनी के अंदर एंट्री करता है तो सबसे पहले उसका GRN होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुड्स रिसीप्ट नोट, कितना क्वांटिटी है, कौन सा डायमेंशन है, कौन सा लेंथ वाला आया है, कितना वेट वाला आया है, किस क्या क्या जो भी है, XYZ रेट वगैरह, GRN के साथ परचेज ऑर्डर होना चाहिए। परचेज ऑर्डर क्या है, तो परचेज ऑर्डर भाई, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने कुछ काम L&T को दिया, प्रेशर वेसल बनाने के लिए दिया, क्या दिया, प्रेशर वेसल बनाने के लिए। अभी वो प्रेशर वेसल के अंदर 100 फ्लैंज लगने वाला है, कितने फ्लैंज लगने वाला है, 100 फ्लैंज लगने वाला है। तो रिलायंस ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई आपको फ्लैंज लगा देना, वो तो सबको बता रहता है, रिलायंस ने काम दिया तो फ्लैंज भी लाना किसका जिम्मेदारी है, L&T का जिम्मेदारी है, किसका है, L&T का। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले तो ड्राइंग निकालेगा, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ऐसे 100 प्लान चाहिए, कितने प्लान चाहिए, 100 प्लान चाहिए। अभी वो क्या सोचेगा, ओके 100 प्लान चाहिए, उसका लेंथ विड्थ चाहिए, ये चाहिए, तो पहले तो परचेज ऑर्डर तैयार करेगा, पहले बहुत सारे लोगों से कोटेशन लेगा, भाई 100 प्लान चाहिए, चलो तुम्हारा कोटेशन भेजो, मेरा साइज लेंथ विड्थ है, भाई 100 प्लान चाहिए, सभी लोगों से क्या करेगा, कोटेशन लेगा। हम लोग ऐसा करते हैं ना, टीवी लेना है तो हम लोग 10 दुकान पे जाते हैं ना, वैसे परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, 10 दुकान पे जाएगा और वो देखेगा, फिर कुछ फाइनल होगा, हाँ भाई तुम्हारा रेट कम है, तुम्हारा रेट कम है, ठीक है चलो भाई तुमको प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब मेरा को प्लान दे रहा। अभी वो परचेज ऑर्डर यहाँ पे बनाएगा बैठे बैठे, क्या बनाएगा, 100 प्लान चाहिए, उसका लेंथ विड्थ चाहिए, उसका ड्राइंग, जो हमारा ड्राइंग है ना, जो ओरिजिनल L&T के पास जो अप्रूव्ड ड्राइंग है, रिलायंस ने अप्रूव किया हुआ ड्राइंग, उसका भी कॉपी उसमें डालेगा कि ऐसे ऐसे प्लान चाहिए, इसका ऐसा ऐसा डायमेंशन चाहिए, और एज पर ASME के हिसाब से जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन हमने यहाँ पे देखा, ये इसके हिसाब से हमको जो भी है हमको ऐसा प्लान चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये रूल्स के हिसाब से मुझे प्लान चाहिए, ऐसा बोल दिया, ठीक है।
अभी वहां पे तो रूल्स बहुत सारे तगड़े लिखे हैं, परचेज ऑर्डर यहाँ से जनरेट हो गया, वो परचेज ऑर्डर कहाँ जाएगा? क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास, या प्रोडक्शन के, जो भी है, वॉट एवर, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा। भाई उसने सही लिखा है ना, 99 प्लान है और तुमने 100 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब एक वेरिफिकेशन करने के लिए जाएगा। जरूरत नहीं है सभी कंपनियों में जाएगा, लेकिन कभी कभी वेरिफिकेशन क्वालिटी से होता है। भाई सही मंगवा रहे हैं ना, परचेज डिपार्टमेंट अपना फ्रेंडशिप के चक्कर में कुछ गलत है उलट पुलट ना मंगवा दे, इसके चक्कर में वो किसी के पास जाएगा, भाई बराबर है ना सब, देखो मैं ऑर्डर दे देता हूँ, क्वालिटी वाला बोलेगा ओके जाओ ऑर्डर दे दो, ये मटेरियल ग्रेड, BOM, बिल ऑफ मटेरियल, लेंथ, वेट, डायमेंशन, सब चीज डालेगा। अभी वो परचेज ऑर्डर हो गया, क्या हो गया? परचेज ऑर्डर में क्वालिटी हेड का साइन होगा और कंपनी का मालिक का, इनके जरूरत है, छोटा मोटा कंपनी है तो कंपनी के मालिक का भी साइन होगा। परचेज ऑर्डर में जैसे ही कंपनी के मालिक का साइन हुआ, या तो फिर क्वालिटी हेड का साइन हुआ, जो ऑथेंटिकेशन आदमी है उसका साइन हुआ, वो परचेज ऑर्डर कहां जाएगा? XYZ कंपनी में, जिसके पास से हमें 100 फ्लैंज लेना है। तो एग्जांपल के तौर पे अंकलेश्वर की एक कंपनी बना रही है फॉर्जिंग फ्लैंज वगैरह बना रही है, तो उसके पास जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही उसको पता था कि हमको 100 का फ्लैंज बनाने का ऑर्डर मिलने वाला है ना। तो आपको क्या लग रहा है, L&T उसको ऐसे ही ऑर्डर दे देगी? पहले L&T क्या करेगी, उसकी ऑडिट करेगी, चेक करेगी कि रियल में ये जो बंदे को मैं फ्लैंज बनाने के लिए दे रहा हूं वो रियल में कारगर है बनाने के लिए। ऐसा ना हो कि पैसा बूझ मार दे और विजय मालिया जैसे भाग जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें से फ्लैंज बनाने का फॉर एग्जांपल 5-10 करोड़ हो रहा है, तो वो 5-10 करोड़ रुपया जिसको देना है वो कम से कम कम करने लायक तो होना चाहिए ना। वो L&T वो सब चीजें इंश्योर करेगी कि भाई वो बंदा है, वो काम करने लायक है ना, वो कंपनी काम करने के लायक है ना, ऐसा ना हो कि लेने के देने पर जाए और मेरा 5-6 करोड़ डूब जाए। समझ में आया? इसके लिए L&T ऑडिट करेगी, ऑडिट के बाद ही परचेज ऑर्डर बनता है। परचेज ऑर्डर बन गया, परचेज ऑर्डर कंपनी के पास अंकलेश्वर के कोई XYZ कंपनी में पहुंच भी गया, हाँ अरे वाह, खुशियां मनाने लगेंगे क्या कंपनी के अंदर, हमको फ्लैंज का ऑर्डर मिला, 5-6 करोड़ का प्रोडक्ट मिला है ना, खुशियां मनाते हैं कंपनी के अंदर। ऐसा होता है जनरली, बहुत सारे कंपनियों में ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। ऑर्डर मिल गया, वहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है तो उसके भी एक इंस्पेक्शन मेथड है, आज ही हम लोग सीखेंगे, ठीक है? आज ही हम, मेरे पास अगर टाइम मिलेगा तो आज ही हम लोग सीखेंगे। इंस्पेक्शन स्टार्ट हो गया, L&T को कंपनी को कॉल भी करेगा, सर L&T को कॉल करेगा वो अंकलेश्वर वाला, सर आपका प्लान रेडी है ले जाओ, ओके मतलब ये ले जाओ, मतलब या तो मैं पहुंचा दू, ट्रक में डाल देता हूँ आ जाएगा। दूसरे दिन हमारे यहाँ पे कंपनी के अंदर आया, अभी L&T के क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम स्टार्ट, ओ भाई ओ फ्लैंज आया है, लाओ परचेज ऑर्डर दिखो। ऐसा ना हो कि परचेज ऑर्डर में कांड हो गया, परचेज ऑर्डर आप ही के कंपनी ने दिया था, लेकिन फिर भी क्वालिटी इंस्पेक्टर का ड्यूटी क्या बन जाता है, परचेज ऑर्डर सही है कि नहीं है, परचेज ऑर्डर देगा, गुड्स रिसिप्ट नॉट देगा, गुड्स रिसिप्ट नॉट कौन देगा, वो कंपनी देगा कि मेरा इतना इतना मटेरियल आ रहा है, 100 क्वांटिटी है, लेंथ विड्थ ये है, ये इतना इतना ये सब है, मुझे ये कंपनी का है, उसमें स्टैम्प वगैरह है, चलो ये एक दो पेज का होगा, कितने पेज का होगा, एक दो पेज का होगा, ठीक है ओके। GRN के पीछे ट्रक का नंबर होगा कि ये ट्रक में आ रहा है, होगा ना, उन्हें ट्रक वाला भाग गया तो बहन घटक लेने के देने पड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, 5 करोड़ का माल कोई लेके भाग जाएगा ट्रक वाला तो प्रॉब्लम होगा ना, ट्रक का नंबर होगा, ट्रक का माली, वो जो XYZ जो भी है उसने भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, वो भी ट्रस्टेबल होगा, तभी सब चीज होता होगा, वो ट्रक का नंबर वो सब चीज, गुड्स रिसिप्ट नॉट में देखा, डिलीवरी नॉट देखा, डिलीवरी नॉट मतलब कितना डिलीवरी मांगा गया था और कितना दे रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है ना, 100 एक साथ में ना बनाओ, L&T को अर्जेंट है, 30 बन गया तो 30 का भी वो भेजेगा, ऐसा भी हो सकता है ना, तो क्वांटिटी के हिसाब से वो डिलीवरी नॉट वगैरह है कि नहीं है वो सब चीज चेक करेगा, मतलब पेपर बनेगा। क्वालिटी इंस्पेक्टर का ड्यूटी हो भाई गेट पे आए, चल मैं आता हूं, और आपको स्टोर कीपर कॉल करेगा, कौन करेगा, स्टोर कीपर या स्टोर इंचार्ज कॉल करेगा, भाई मुत्तू स्वामी क्वालिटी इंजीनियर अजीत भाई, क्या नाम है आपका, अनिल भाई, अरे आपका भी अनिल, दोनों अनिल है, गड़बड़ी हो गया, बहुत सारे अनिल, आपका सर नाम क्या है, उपेंद्र कुमार को कॉल करेगा, कौन करेगा, स्टोर कीपर, स्टोर इंचार्ज या स्टोर कीपर, सर उपेंद्र सर वो मेरा मटेरियल आ गया है फ्लैंज वगैरह, आपका पहला काम ड्राइंग है, मैं लेके आता हूं, ठीक है,
कहां पे आया है? सब रेडी है ना? आदमी रेडी है ना? मैं इंस्पेक्शन करना स्टार्ट करेगा, मैं आता हूं। हाँ रेडी है, आ जाओ। उपेंद्र भाई चल के जाएंगे, तो उपेंद्र भाई ऐसे ही हवा में उड़ के जाएंगे, घंटा ऐसा नहीं होगा। उपेंद्र भाई क्या करेंगे, कंपनी का पहले ड्रॉइंग ढूंढेंगे कि मेरे कंपनी का ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग के हिसाब, क्योंकि उसके पास कुछ और ही ड्रॉइंग पहुंच सकता है, ऐसा हो सकता है ना, कुछ और ही चीज का, कौन सा मटेरियल है वो सब चीज उसको मेल कर देगा, कौन कर देगा, स्टोर कीपर या स्टोर इंचार्ज, वो मेल के हिसाब से देखेगा, हाँ इसका आज इंस्पेक्शन है। तो वो भाई साहब उपेंद्र भाई का ड्यूटी स्टार्ट, ड्रॉइंग खोजेगा, ड्रॉइंग लेके फिर सीधा कहां जाएगा, जहां पे मटेरियल फ्लैंज आया है वहां पे जाएगा, फ्लैंज देखेगा। इसके बाद ये डायमेंशन वगैरह चेक करेगा, लेंथ विड्थ जो भी है एक्स वाई जेड, ये लेंथ, ये वॉल का डाया, वॉल का डाया, ये टोटल, ये इतना इसका कितना डाया है वो, ये हब का लेंथ कितना है वो, इसका यहाँ का आईडी कितना है वो, समझ आया ना, बहुत सारा चीज चेक करेगा। लेकिन खाली चेक ही करेगा ऐसा नहीं है, सबसे पहले ड्रॉइंग लेके जाएगा, बोलेगा लाओ भाई परचेज ऑर्डर लाओ। क्या बोलेगा? परचेज ऑर्डर देखेगा, फैक्ट तो परचेज ऑर्डर नहीं है ना, वरना 5 करोड़ का माल है और कुछ और ही घुसा देंगे करप्शन के चार्ज में, ये सब चीज ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्स वाई जेड कंपनी में इंडिया में ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि माल करप्टेड हो जाता है और अलग ही माल, डुप्लीकेट माल बेचा जाता है, फिर हम उसको पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद वो इंजीनियर के ऊपर एक्शन भी होता है और वो एक्शन को ऐसा होता है वो कंपनी को निकाल दिया जाता है, या तो फिर लीगल एक्शन के लिए भी कंपनी के पास एक लीगल एडवाइजरी टीम होती है, वो सब चीज उसका काम करती है, हमें उससे मेरे को इसमें ज्यादा जाना नहीं है। उपेंद्र भाई ड्रॉइंग देखेंगे, मांगेंगे भाई परचेज ऑर्डर दिखाओ, परचेज ऑर्डर सर लीजिए पड़ जाओ, सर जीआरएन दिखाओ, जीआरएन सर ये जीआर, डिलीवरी नॉट दिखाओ, डिलीवरी नॉट सर ओके, डायमेंशन रिपोर्ट दिखाओ, सर मैंने नहीं बनाया, क्यों बुलाया मुझको? उपेंद्र भाई का पहला इस क्वेश्चन होगा, क्यों भाई मैंने मुझको बुलाया? तुम्हारी साइड से प्रोजेक्ट ने प्रोडक्ट तुमने चेक नहीं किया है, तुम्हारे पास रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मेरे को सीधा बुला दे रहे हो, क्या जल्दी प्रोडक्शन निकालना है क्या? हम लोग ट्रेस में क्यों आ जाते हैं? क्वालिटी इंस्पेक्टर मैंने बहुत सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखा है, क्वालिटी इंजीनियर है ना वो ट्रेस में आ जाता है, बहुत सारे लोग ट्रेस में आ जाते हैं, पता है क्यों ट्रेस में आता है? चाचा ट्रेस में क्यों आता है क्वालिटी इंजीनियर? क्योंकि क्वालिटी इंजीनियर प्रोडक्शन का भी काम कर लेगा, समझे ना, फिर लोड बर्डन बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, कर रहा है ना वो हमारा, करने दो, समझे, और आपको क्वालिटी देना है, इसके चक्कर में क्या करेंगे, आप भी वो ट्रेस में आ जाएंगे। याद रखो आपको कभी ट्रेस में नहीं आना है, आप यहाँ पे बैठ गए हैं वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस के चेयर पे बैठ गए, आपको ट्रेस में नहीं आना है, मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेस से निकालने का, कैसे निकाला जाता है। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है बहुत लोड है, तब आपको क्या कर देना है, टाइट सिचुएशन कर देना है, क्या कर देना है, आपको खुद को ही टाइट हो जाना है भाई, थोड़ी ही बात में उसको झटक देना है, आपको बोलने का पैसा मिल रहा है ना, आप खाली झटक, ओ हाँ ये नहीं चलेगा, आदमी नहीं है वो, प्लेन्स को बराबर रखा नहीं है, सेग्रेशन नहीं किया, सेग्रेशन बराबर करोगे, बराबर मटेरियल को रखोगे तो ही इंस्पेक्शन करने आएगा, और मेरे को फोटो भेजने का तभी मैं कॉल, तो ऐसे करके आप जब टाइट हो जाएंगे, वो टाइट का सिचुएशन आएगा तब मैं समझाएगा, ये 5-6 चैप्टर चल जाएगा ना, फिर कैसे टाइट होना है वो आपको समझाएगा। एक दिन में आपका कैपेसिटी है 10 इंस्पेक्शन करने का, लेकिन ऑफर हो जाएंगे 80 इंस्पेक्शन, अब क्या करोगे, फिर क्या है, बैटिंग स्टार्ट करने का, क्या करने का, धुआंधार बैटिंग स्टार्ट करने का, ऐसा बैटिंग स्टार्ट करने का कि कंपनी में हाहाकार मच जाए भाई, थोड़ा बहुत बहुत डेंजर आदमी है उपेंद्र भाई, पता नहीं वो थोड़ा भी बात चलाते नहीं है हमारा, थोड़ा भी हमारा फ्रेंडशिप का रखते नहीं है, कुछ भी हो गया सीधा रिपेयर हो गया रिजेक्ट करके, मतलब इंस्पेक्शन ही नहीं करते है, कुछ भी गड़बड़ दिखा इंस्पेक्शन नहीं करते, तो फिर क्या होगा, वो प्रोडक्शन इंजीनियर पहली बार ऐसा होगा, दूसरी बार तीसरी बार वो क्या करेगा, उपेंद्र भाई का पहचान लेगा, ये बंदा है ना जो भी है पहले बराबर कर लो वरना वो झटक देगा, और बराबर उसको कह के लेना है, क्या करना है, कह के लेना है बराबर, आपको पता है फिट ओके है, आपको पता है कि 3 mm सब जगह पे या 2 से 5 mm के बीच में गैप रहना चाहिए फिटअप के अंदर, लेकिन एक जगह भी 6 mm दिखाना, आपको तो पास करना है शायद आपको पास करना, लेकिन इंस्पेक्शन बहुत है इतने एरिया में 6 mm फटाक से क्या करना है, फोटो खींच के निकल जाना है, ये 6 mm में नहीं चलेगा, समझ में आया, एक छोटा सा भी पॉइंट को आपको बख्शना नहीं है, वो बख्शने के लिए मैं समझाएगा आने वाले टाइम में, अभी
जीआरएन जो है वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जीआरएन के साथ, पहला है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर कैसे बनता है मैंने आपको दिखा दिया है ना, परचेज ऑर्डर कैसे बनता है, परचेज डिपार्टमेंट बनाता है वो बीओएम देख के, ड्रॉइंग के अंदर देख के सब चीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से बीओएम बनाएगा, कितना क्वांटिटी बनाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बनाएगा। आप अपने घर का भी परचेज ऑर्डर कभी कभी बनाते होंगे, कभी दिवाली के ऊपर बैठते हैं ना कि भाई हमको दो फैन चाहिए, दो जोड़ी कपड़ा लेना है, ये हमारे बेबी को ये करना है, हमारा बाबा को ये करना है, वाइफ को ये करना है, ऐसा परचेज ऑर्डर बनाते हैं ना। ये वन ऑफ द सिंपल परचेज ऑर्डर, एक रफ वाला क्या है आपका, रफ वाला वहां पे अप्रूव वाला, क्या है अप्रूव वाला, नहीं कोई रॉकेट नहीं है वो, वहां पे जो हो रहा है वो थोड़ा सिस्टमेटिक है। हम लोग यहाँ पे डायरी में या तो माइंड में लिख देंगे, हाँ भाई इतना खर्चा करना है, इतना पैसा हमको डालना है, मार्केट में से चीज को परचेज करना है ना, ऐसा ही परचेज ऑर्डर होता है। ठीक है, परचेज ऑर्डर टेस्ट सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा मिस्टेक जो है ना बी नंबर में होता है, टेस्ट सर्टिफिकेट। ब्रांच तो आ गया लेकिन उसके टेस्ट सर्टिफिकेट आएंगे नहीं। बहुत सारी कंपनियों में, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में भी मैंने ये सब चीज देखा है, मटेरियल आपको पता है कि आ गया, मटेरियल पहले आ जाता है लेकिन उसका एमटीसी अभी तक आता नहीं है, और आता भी है तो डुप्लीकेट आता है। कैसा आता है? डुप्लीकेट आता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ओरिजिनल एमटीसी नहीं आता है? देखो सर को कितने साल का एक्सपीरियंस है सर आपको? 12 ईयर। सर आपका 10 ईयर का? सर आपका 6 ईयर। सर आपका? देखो खाली आपके सामने ही बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया, मतलब क्या हुआ हमारे यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा। मेरी ही बात करता हूँ, दूसरे का कहाँ। जितना इंस्पेक्शन मैंने किया, जितने साल इंस्पेक्शन किया, मैं एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में फंसता हूँ, ओरिजिनल एमटीसी आता नहीं। और ओरिजिनल एमटीसी कंपलसरी चाहिए। क्या चाहिए? कंपलसरी। बहुत सारे लोग है ना जेरोक्स पे काम चला देते, क्या करते हैं? जेरोक्स चलेगा नहीं, जेरोक्स थोड़ा भी नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ना 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 नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग है ना लिबरल हो जाते हैं, क्या करते हैं? मैनेजर कॉल करेगा, क्या यार तुम्हारा हर बार नाटक रहता, ओरिजिनल चाहिए। अरे एक्सेप्ट करके इस बार आगे बढ़ा दो, एक बार आगे बढ़ाएंगे, दूसरी बार आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा पता है? वही मैनेजर आपको फिर कभी कभी ऐसा कॉल करेगा, आपने क्यों आगे बढ़ाया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आया नहीं है, उसमें लोचा है, ऐसा ऐसा, समझ में आया? कोई आपको बख्शेगा नहीं। अगर मैनेजर को एक्सेप्ट करवाना है तो सर आप साइन करो जीआरएन में, मैं साइन नहीं करेगा। मेरे को क्या चाहिए जीआरएन अगर मैं साइन करता हूं तो? ओरिजिनल एमटीसी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना आप लोगों को ये फेस करने को मिलेगा, लिखना है तो लिख लो आप, ओरिजिनल एमटीसी ही चाहिए। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई नया रॉकेट नहीं, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्यों नहीं आता है, ये भी एक लोचा है ना, क्यों नहीं आता है? भाई ने 5 करोड़ का माल है ना कितने में लिया है पता है? 1 करोड़ में लिया है, 4 करोड़ का कटकी किया है। क्या किया है? कटकी। कटकी मतलब करप्शन किया है। क्या किया है? करप्शन किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिखाता हूं, समझाता हूं, सीखा तो घंटा, मैं क्या आपको सिखाएगा, मैं तो स्टूडेंट हूं, क्या हूं, मैं खुद भी पढ़ रहा हूं और सीख रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं है ना, मैं भी आपके जैसा जॉब ही वर्क कर रहा हूं, मैं भी क्यों किसी इंस्पेक्टर ही हूं। ओके, एमटीसी का फुल नेम है मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। क्या है? मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। अभी देखो इसको एमटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, एमटीसी के अंदर क्या डिटेल होगा मैं आपको डिटेल दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रोड का एमटीसी है, कौन सा इलेक्ट्रोड है? सॉरी ये फिलर है। क्या है? ये फिलर है ना, ये मेरे हाथ में जो फिलर पकड़ा है ना, इसका ये एमटीसी है। क्या है? यहां लिखा भी होगा टेस्ट सर्टिफिकेट। क्या लिखा है? टेस्ट सर्टिफिकेट। अभी देखो टेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंपलसरी ओरिजिनल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? ओरिजिनल आना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स वाई जेड कंपनी में आपका नाम क्या है? अनिल भाई। अनिल जी का एक कंपनी है अनिल प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करेगा, एडोर बड़ा कंपनी है, वो अनिल भाई क्या करेंगे, उससे वो माल खरीद लेंगे, 2-3 टन खरीद लेंगे। क्या करेंगे?
दो तीन टन खरीद लेंगे, फिर वो माल है ना उसकी कंपनी में एक आध टन ही यूज हुआ, बाकी के दो टन अभी भी उसकी कंपनी में पड़ा है। दो साल से माल पड़ा है, कितने साल से? दो साल, दो साल से माल पड़ा है, है ना। अभी क्या होगा, कोई भी कंपनी अगर ये एडवान ने उसको ओरिजिनल दिया होगा, वो अच्छे से रखेगा फाइलिंग वाइलिंग करके तो ठीक है, लेकिन वो दो साल या पांच साल से माल पड़ा है, फिर उसका ओरिजिनल रहेगा? रहेगा, वो क्या टूट जाएगा, फट जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ कांड होगा। या तो फिर अनिल भाई क्या करेंगे, कोई एक्स वाई जेड कंपनी को, आपका नाम क्या है, तीरथ को बेच देंगे माल, और ये भाई साहब भी ओरिजिनल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ओरिजिनल नहीं है, उसके पास खाली कंप्यूटर में सेव है, तो तीरथ भाई को कौन सा माल देंगे, वो माल खरीद, वो तीरथ भाई भी देखेगा, हाँ यार ये तो माल तो सब पड़ेगा पैक है, एकदम चकाचक है, ये सब ओके है। एमटीसी देने का टाइम आएगा ना, तो ये भाई साहब कौन सा जेरोक्स वाला एमटीसी देंगे, क्या करेंगे, जेरोक्स वाला। अभी तीरथ भाई है ना, उससे मुझे लेना है माल, उससे मुझे लेना है माल, क्योंकि मुझे ओरिजिनल में काम स्टार्ट करना है, मुझे ओरिजिनल। तीरथ भाई ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसको थोड़ा कमीशन मिल जाए, अच्छा खासा कंपनी में उसका सेटलमेंट है, तो वो उसकी कंपनी में वो माल बेच देगा, तो उसको क्या मिल जाएगा, थोड़ा कमीशन। अभी तीरथ भाई हमको माल देंगे, फिर हम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले क्यूसी वाला क्या बोलेगा, एमटीसी चाहिए। अभी मैं तीरथ भाई को कॉल करेगा, अरे तीरथ भाई यार एमटीसी भेजो ना, ओरिजिनल भेजा ना आपको, अच्छे से कागज में प्रिंट करके भेजेगा, क्या करेगा, अच्छे से कागज में, कागज अच्छा होगा, और उसके पास ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो फट के फेंक दिया है, या तो फिर माल का वैलिडिटी खत्म हो गया। ये माल जब एडोर ने इसको बेचा दो साल के लिए, बोला था कि दो साल के बाद ये माल एक्सपायर, लेकिन ये भाई का एक्सपायर हो गया, उसने किसको टोपी पहना दिया, तीरथ भाई को, तीरथ भाई ने किसको टोपी पहनाया, हमको, और हम उसका ओरिजिनल मांगेंगे, हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट है, ओरिजिनल मांगेगा, हम किसको नंबर देंगे, तीरथ भाई को, तीरथ भाई को कॉन्टेक्ट करो ना, तीरथ भाई के पास ओरिजिनल होगा, फिर तीरथ भाई किसको कॉल करेंगे, अनिल साहब को, अनिल साहब आप दे दो, अनिल साहब के पास कुछ होगा नहीं, अबे अनिल साहब ने तो उसको माल बेचा, तो रिस्पॉन्सिबल तो अनिल साहब ही है, वो क्या करेंगे पता है, कुछ एडिटिंग बेडिटिंग, आजकल तो मार्केट में बहुत ऐसा हो रहा है ना, एडिटिंग करके चकाचक एकदम कलर प्रिंट करके तीरथ भाई को दे देंगे, तीरथ भाई हमको दे देंगे, हमारा क्वालिटी इंजीनियर स्मार्ट है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे करता है, एडोर से। भाई ये बैच नंबर कब से निकला है रिलीज, ये तो पांच साल से रिलीज हो गया है, अब तो शायद वेल्डिंग भी हो गया होगा उसका, और वहां पे पकड़ा ओरिजिनल जिसने, जो आदमी है उसने अभी मना कर दिया कि हमारा माल है हम मानते हैं, लेकिन वो तो एक्सपायर हो चुका है, वो तो कब का हमने निकला, उसकी शेल्फ लाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेल्फ लाइफ, वो तो कौन साल की है, बहुत टाइम हो गया है, पकड़े गए यहाँ पे, समझ में आया। इसके लिए ओरिजिनल एमटीसी ही लोग रिक्वायर मांगते हैं, टीपीआई भी लोग क्या बोलते हैं कि हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होने का बहुत सारे रीजन है, मैं आपको समझाता हूं। समझ लो मैंने एक टन माल तीरथ भाई से लिया, तीरथ भाई से लिया, अभी अनिल साहब ने उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया, लेकिन अनिल साहब के पास से उसने तीन टन माल खरीदा है, कितना, तो तीन टन मान का एक ही पेपर फॉर एग्जांपल होगा, तो एक टन में खरीदा तो मुझे ओरिजिनल देगा वो, क्यों नहीं देगा, क्योंकि और भी बहुत सारे टन का माल उसको बिकना है ना, तो वो हमको क्या करेगा, जेरोक्स देगा, या तो उसको स्टैम्प मार के देगा, रिव्यू करके देगा, यस ओरिजिनल हमारे पास है, लेकिन ऐसा करके जो भी एक्स वाई जेड मेलिंग वेलिंग वगैरह करेगा तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अटेस्टेड करना बोलते, डिग्री भी आजकल अटेस्टेड करते हैं, याद है आपको, कितने लोगों ने करवाया है, वाह करवाया है ना, गल्फ कंट्री में कभी कभी कुछ कंट्रियां मांग लेती है, गुड, तो ऐसा अटेस्टेड करके देते हैं कि हाँ भाई ये माल है, वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी को देगा नहीं, अगर किसी को दे देगा तो उसका बाकी के दो दो तीन टन माल है वो कोई खरीदेगा नहीं, समझ में, इसके लिए ओरिजिनल का बहुत लोचा से होता है, लोग इसी की वजह से डायरेक्ट जहां से मिल रहा है ना वहां से रिफर करते हैं, कि माल डायरेक्ट मिलेगा कंपनी से, हमें कोई अलीबाबा नहीं होगा, बीच में कोई वचेटिया नहीं रहेगा, बीच में कोई एजेंट नहीं रहेगा, एजेंट भी कुछ टाइम तक वो हमको क्या पता कि एजेंट ने उसको कैसे स्टोर किया है, हमें क्या पता, इसको ऐसा भी हो सकता है इसको धूप में वो स्टोर करके दे देगा, तो बहुत सालों से धूप में पड़ा है, हमने मांगा तो हमको निकाल के दे दिया, तो चलेगा ये माल, ये माल धूप में रहेगा तो क्या होगा,
इसके अंदर हाइड्रोजन बैठ जाएगा, हाइड्रोजन क्रैक्स, पोरोसिटी, पिनहोल वगैरह आने का चांसेस है। समझ में आया? इसके लिए माल लोगों को ओरिजिनल ही चाहिए। अभी देखो एएमटीसी है, क्या है एमटीसी? अभी ये 5.18 लिखा है, एसएफ है 5.18। तो मुझे ये बोलो फिलर एंड इलेक्ट्रोड के लिए कौन सा एएसएमई कोड है? एएसएमई सेक्शन 2C, उसका एएसएफ है जो है 5.18 जो है वो कौन सा 5.18 है? वो ER70S2 फिलर के लिए है, GTAW के फिलर के लिए। कौन सा है? तो ये एमटीसी ऐसे दिखता है। अभी एमटीसी कैसे पढ़ने का? तो ये सर्टिफिकेट नंबर है, क्या है? सीरियल नंबर है। ये उसका डेजिग्नेशन है, क्या है? ये उसका साइज, लेंथ, विड्थ जो भी है वो सब चीज है, ठीक है। ये है उसका टू डाया, कितना है डाया? 2.4 का है। कितना है लेंथ है उसका? 1 मीटर लेंथ, मतलब इतना बड़ा है। और डाया कितना है? एकदम छोटा। तो मुझे ये बोलो, ये तो मैंने बीच में से काट दिया, लेकिन इसका डाया 2 है, इसका डाया, ये डाया की बात चल रही, 2, और लेंथ जो है वो 1 मीटर होगा, बीच में से मैंने काट दिया है इसके लिए। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, ये इसका एमटीसी हुआ। बैच नंबर, कौन सा बैच नंबर है? अभी बैच नंबर क्या है भाई? तो ये जो कंपनी है उसने जब माल बनाया होगा तब एक ही लॉट में, एक ही बैच से बहुत सारा, एक ही टाइम पे, एक शिफ्ट के अंदर बहुत सारा माल निकला होगा, उसको नंबरिंग सिस्टम देते हैं ताकि उससे पता चले बैच नंबर। ऐसा होता है ना कि भाई 10 तारीख को पूरे इंडिया के इतने सारे हॉस्पिटल में इतने बच्चे का जन्म हुआ, ऐसा होता है ना? तो बैच नंबर बैच नंबर है, क्या है? बैच नंबर। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब ये मैन्युफैक्चरर हुआ है, मतलब ये जिसका एमटीसी है, जो फिलर आपके पास है, वो कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है? 2019 दिसंबर, ये डेट है। ये क्या है? ये एमटीसी का डेट है। यहाँ पे क्या लिखा? We verified that the supply made against the TC confirm all requirement ASME section 2C 2019 all respect 2019 के हिसाब से ASME section 2C बोल रहा है, उसके हिसाब से ये फिलर को बनाया गया है, ये फिलर को बनाया गया है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, केमिकल एनालिसिस है, क्या है? एक कार्बन का कितना परसेंटेज है, मैंगनीज का कितना परसेंट है, सिलिकॉन का कितना परसेंट, क्रोम का कितना परसेंट, निकल का कितना परसेंट, मोली का, नियोबियम, वेनेडियम, WCU, कॉपर, ये सब, Fe, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, एल्यूमिनियम, वो कितना कितना परसेंटेज है ना, वो उसका लिखा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये परसेंटेज सही है कि गलत है? तो आपको कहां जाना है? ASME सेक्शन 2C में जाना है, वहां पे उसका केमिकल कंपोजिशन दिया होगा कि भाई देखो ऐसा ही केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, ऐसा होगा तभी ये ऐसा होगा तभी ये फिलर ओके है, और ये डेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। कौन सा डेजिग्नेशन? ER70S2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, पीछे वाले लोग, पीछे देखो, ऑगस्ट वाले भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये केमिकल कंपोजिशन हो गया, ये उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। क्या हो गया? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, ये यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, ये यील्ड स्ट्रेंथ, ये है एलोंगेशन हो गया, ये है चार्टी इंपैक्ट हो गया, उसका रिजल्ट है ये हार्डनेस हो गया, ब्रिनल हार्डनेस, और फेराइट टेस्ट हो गया, नहीं किया, रेडियोग्राफी सेटिस्फैक्ट्री लिखा, देखा आपने, ये सब चीज आप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वेरीफाई कैसे करें? ये तो केमिकल कंपोजिशन लिखा होगा कहां पे? सेक्शन 2C में। तो एज अ QC इंस्पेक्टर, एज अ QC इंस्पेक्टर, आपको ASME सेक्शन 2C को खोलना आना चाहिए। एज अ QC इंस्पेक्टर आपको ASME सेक्शन 2C का कौन सा चैप्टर है? SF है, SF है 5.18, 3 पेज का या 4 पेज का या 8-10 पेज का होगा, ज्यादा नहीं होगा, बड़ा चैप्टर नहीं है, 3-4 पेज का है भाई, 8-10 पेज का है, तो कल खोल ले, केमिकल कंपोजिशन आ मिला है भाई, कार्बन इसकी, हाँ हाँ है, मैंगनीज हाँ है, सल्फर हाँ है, बस ऐसे करके आपको सब चेक करना है। ये आपका ड्यूटी है, क्या है? QA QC इंस्पेक्टर का ड्यूटी है। और आपको यार देख देख के एक जगह पे, अभी मुझे बोलो न्यूज़पेपर में पुराने जमाने में ना 2 फिगर आती थी, क्या क्या कॉमन है वो देखने का, याद है कि नहीं है? Yes, क्या क्या लोचा लापसी है वो देखो, इसमें एक टाइगर दिख रहा है, कहां पे है टाइगर देखो, ऐसा करके आता था ना। Yes, तो आपको ऐसे ऐसे कंपेरिजन करना है, यहाँ कोई रॉकेट है क्या? Yes,
लेकिन ये रॉकेट की वजह से, ये चीज की वजह से क्वालिटी इंस्पेक्टर लोग डरते हैं। कौन खोलेगा? एसएमई का नाम ही बहुत डेंजर होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, वो कौन भूख लेगा भाई? अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम खड़े है भाई, दीपेश पटेल है यहाँ पे, अजय रावल साहब है, कंपनी में चले गए हैं तो भी अजय रावल साहब है, उसको कॉल करो, सर एसएमई सेक्शन 2C में थोड़ा ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ये थोड़ा ऐसा क्या है। या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एसएमई सेक्शन 2C थोड़ा मिलेगा, समझा कि नहीं समझे? समझने के लिए सब समझ गए, समझने वाले लोग समझ गए है ना, तो आपको ये सब चीज मिल जाएगा, मेरे से नहीं मिलेगा, मैं नहीं देगा, सर भी शायद नहीं देंगे, आपकी कंपनी के अंदर से मिल जाएगा आपको। कहां से मिलेगा? हमको प्राइवेट में चाहिए तो कैसे मिलेगा? प्राइवेट में मिले, अगर आपको चाहिए तो 2,50,000 रुपीज देना पड़ेगा, कितना? ओके, अगर आपकी कंपनी ने लिया है तो आपको क्या लग रहा है? आपकी कंपनी ऐसे ही लिया, 24,00,000 रुपया देना पड़ेगा, कितना? 24,00,000 एवरी टू ईयर। अगर एसएमई चाहिए तो आपको 24,00,000 अप्रोक्सीमेटली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन सा वर्ड? 2-3+ ही होगा, ज्यादा नहीं, कम नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको पैसा आपकी कंपनी उसको पे कर, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसएमई। जब कोई भी कंपनी के पास होता है तो वो कंपनी एसएमई का ऑडिट करवाती है, एसएमई ऑडिट ओके करता है, उसके एआई जो होते हैं वो ऑडिट ओके करते हैं, तब जाके आपको एसएमई मिलता है, ऐसे ही हवा में नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? गूगल पे नहीं है? नहीं, गूगल पे कैसे होगा? होगा तो ले लो भाई वो गूगल से। ठीक है, 5,00,000 कैसे? पूरी दुनिया के पास होगा तो फिर क्या करोगे आप? आपसे कौन खरीदेगा? हाँ तो देखना है तो आप यहाँ से कोई अपने फ्रेंड, किसके पास एसएमई है देखो, दूर से देखो, फ्रेंड से सर्कल से ले लो भाई, मैं नहीं देगा, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, अजय साहब के पास भी अथॉरिटी नहीं है, दीपेश पटेल साहब के पास भी अथॉरिटी नहीं है, हम लोग कदे भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते, इसके कॉपीराइट लग जाएगी। क्या लग जाएंगे? समझ में आया? समझने वाले लोग समझ गए है ना, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी यहां पे लिखा है BSEN 10204। क्या लिखा है? BSEN 10204। ये जो है BSEN 10204, वो वन ऑफ द इंस्पेक्शन कैसे करने का वो तरीका लिखा है। क्या लिखा है? तरीका। यहां पे क्या लिखा है? टाइप 3.1 भी आता है, टाइप 3.2 भी आता है, टाइप 2.1 भी आता है, टाइप 2.2 भी आता है। अभी 3.1 क्या है? 3.1 का मतलब मैं आपको अभी थोड़े थोड़ा समझा देता हूं। समझ लो, आपको ये इलेक्ट्रोड लेना है, 200 टन लेना है। कितना टन लेना है? फॉर एग्जाम्पल, तो पहले तो आपका कंपनी क्या करेगा? परचेज ऑर्डर बनाएगा, परचेज ऑर्डर बनाएगा ना भाई, हमको 200 टन चाहिए, परचेज ऑर्डर बनाएगा ना, किसके हिसाब से चाहिए? तो कह भाई एएसएमई सेक्शन 2C के हिसाब से चाहिए। किसके हिसाब से चाहिए? एएसएमई सेक्शन 2C के हिसाब से चाहिए। वो कंपनी को किसको देगा? फॉर एग्जांपल ऑर्डर एडोर को या ईसाप को या तो दूसरा कोई XYZ कंपनी को, सुपर हिट, सुपर थम को, अलग अलग कंपनियां बहुत सारे आजकल मार्केट में, उसको ऑर्डर देगा। कितने टन का ऑर्डर दिया? 200 टन का ऑर्डर दिया। परचेज ऑर्डर जो बनेगा तो उसमें यह भी लिखा होगा कि इंस्पेक्शन का सिस्टम कैसा होगा। तो कंपनी ने लिख दिया है हमको इंस्पेक्शन चाहिए टाइप 3.1 के हिसाब से। कैसा? अभी टाइप 3.1 क्या है? टाइप 3.1 में समझाता हूं। समझ लो, L&T ने एडोर कंपनी को ऑर्डर दिया, ठीक है, उसने पहले तो एडोर कंपनी क्या करेगा? वाह मजा आ गया, परचेज ऑर्डर मिल गया, 200 टन चाहिए, ओके, कौन सा टाइप का इंस्पेक्शन है? तो कि भाई 3.1 है, वाह जबरदस्त। 3.1 का मतलब ये हुआ कि L&T ने किसको पहले तो ऑर्डर दिया? एडोर को। अभी एडोर क्या समझेगा कि भाई हमको कौन सा चाहिए? उसे परचेज ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको टाइप 3.1 चाहिए। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड बना 200 टन, हमारा इंस्पेक्टर कोई भी आएगा नहीं चेक करने के लिए, हम लोग आएंगे नहीं। आप ही के कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से छोड़ के दूसरा कोई डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो डिपार्टमेंट से छोड़ के दूसरा ही कोई डिपार्टमेंट वो प्रोडक्ट सही बना है कि गलत बना है, वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स कौन सा है?
एएसएमई सेक्शन 2 सी के हिसाब से चेक करेगा, वो ओके करेगा, उसका साइन और स्टैम्प मारेगा और हमको वो पूरा मटेरियल के साथ एमटीसी के साथ काम मटेरियल भेजेगा और हम लोग उसको सही मानेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? इसको बोलते हैं टाइप 3.1। लेकिन परचेज ऑर्डर में ऐसा लिख दिया गया है टाइप 3.2, तो क्या परचेज ऑर्डर में ऐसा लिख दिया है कि BSEN 10204 टाइप 3.2 इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है? एड्रेस देखिएगा, 200 टन का कौन सा टाइप? ओ 3.2 है। 3.2 का मतलब यह हुआ कि आपने ऑर्डर दिया उसको, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना, तब आपको कॉल करेगा वो, सर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप आ जाइए देखने के लिए। तो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट वहां जाएगा, समझ लो आपके एलएनटी के क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास टाइम नहीं है, तो एलएनटी क्या करेगा, XYZ कंपनी को हायर करेगा, टीपीआई एजेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टीपीआई एजेंसी। वो टीपीआई एजेंसी पहले से ही उसको परचेज ऑर्डर में सब लिखा होगा कि हमारा ये टीपीआई एजेंसी है, हम भी आएंगे लेकिन ये भी आएगा, तो उसके हिसाब से आप देख लो। और उसका एक ITP बनेगा, क्या बनेगा, इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान बनेगा। ITP जो है उसमें क्लियर लिखा होगा, हाँ भाई अभी हमको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, वो कार्बन स्टील का वो रोड है, वो कौन सा मटेरियल का है, वो भी उसको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले किसको कॉल करेगा, कॉल मतलब कॉल डालेगा, इसको बोलते हैं कॉल डालना, क्या बोलते हैं, कॉल डालना, इंस्पेक्शन कॉल डालना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्शन कॉल, इंस्पेक्शन कॉल डालेगा, हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए अभी कल से बनना स्टार्ट हो रहा है, आप आ जाओ। तो L&D देखेगा, हाँ भाई वहां पे प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है, TPI एजेंसी को फॉरवर्ड कर देगा, भाई हमारा ये TPI आएगा, जो भी आंसर दे देगा, हमारा TPI कल पहुंच जाएगा। तो L&D ने किसको हायर किया, TPI एजेंसी। TPI एजेंसी क्या करेगा, उसकी कंपनी के पास जाएगा, मतलब ये कंपनी के पास जाएगा और सब चेक करेगा, सब ओके है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सब बराबर चेक करना है, है ना, बराबर सका चक चेक करेगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है 3.2 में ऐसा भी रूल्स है कि भाई L&D खुद भी जा सकता है या वो भी जाएगा और TPI भी जाएगा, दोनों जाएंगे और उसका भी क्वालिटी डिपार्टमेंट, जो एडोर कंपनी का क्वालिटी डिपार्टमेंट है, वो भी प्रोडक्ट को चेक करेगा। समझ में आया? तो तीन तीन लोग इसमें इंस्पेक्शन करेंगे, कितने लोग करेंगे, इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अगर 3.2 होगा तो पैसा क्या होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन लो होगा, एक अलग मैटर है, क्वालिटी एकदम शानदार मिलेगा, है ना, उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो 3.2 जब आप करवाते हैं, आप कोई भी परचेज ऑर्डर में लिखते हैं आपको TCB 3.2 का चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा, बहुत टाइट इंस्पेक्शन होगा। और टाइट इंस्पेक्शन में अभी आप क्वालिटी डिपार्टमेंट है L&T के, तो आपको भी वहां जाके चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको बोलते हैं 3.2। अभी 3.1 एंड 3.2 में किसी को कंफ्यूजन है? अभी बोलेंगे, कुछ लोग बोलते हैं सीशिप का, भाई सीशिप अलग मैटर है, सीशिप इससे कुछ बहुत दूर तक नजर नहीं आता ना, उतना दूर है, ठीक है, वो सब अलग मैटर है, सीशिप 3.1 3.2 ये बात नहीं है, ये जो है सर्टिफिकेशन के टाइप्स की बात है। समझ में आया? अभी मुझे ये बोलो, अभी MTC के अंदर 3.1 लिखा है, तो यहां पे मैंने साइन निकाल दिया है जानबूझ के, क्या कि कोई कंट्रोवर्सी ना, मुझे ये बोलो यहां पे साइन किसका होगा, इंटरनल कंपनी का, QC वाले का होगा। समझ में आया? और 3.2 होगा तो यहाँ पे इंटरनल वाले का भी होगा, TPI का भी होगा, और किसका होगा, कंपनी का भी शायद होगा। समझ में आया? तो आप जब इसको बोलते हैं MTC, क्या बोलते हैं, जैसे ही आपके हाथ में, आप तो क्वालिटी डिपार्टमेंट L&T के कंपनी के अंदर 200 टन आया, तो आपको स्टोर कीपर कॉल करेगा, सर आ जाओ इलेक्ट्रोड आ गया, तो आप तो ऐसे गुणुं 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 करके जाएंगे, जाने के बाद चेक करेंगे, ओ 3.2 है, तब तो हमारा क्वालिटी वाला भी चेक किया, किसका साइन है, देखो देखो आप देखेंगे, हाँ भाई मुत्तु स्वामी का साइन है,
पहला शाबाश, एकदम शानदार। फिर क्या करेंगे, ओके मुत्तू स्वामी ने वहां पे चेक किया तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा मुत्तू स्वामी ने क्या होगा ओके होगा, मुझे मुत्तू स्वामी के ऊपर भरोसा है, घंटा ऐसा नहीं होता है। आपका ड्यूटी रिसीविंग इंस्पेक्शन का है, आपको देखना है पैकेट वगैरह टूटा नहीं है, जो पीओ है उसके हिसाब से मटेरियल आया है, जो पीओ है उसके हिसाब से ही मटेरियल आया है, और वो पीओ के अंदर जो एमटीसी है, पीओ के बाद दूसरा भी एक डॉक्यूमेंट्री होता है एमटीसी, ये एमटीसी होता है, तो एमटीसी के अंदर सबका साइन है। और आपको क्या लग रहा है, तो मुत्तू स्वामी ने ये सब चीज चेक किया तब ये एएसएमई सेक्शन 2C नहीं खोला होगा उसकी कंपनी के वहां पे खोला होगा। लेकिन आपका भी ड्यूटी बनता है कि ये खोल के केमिकल कंपोजिशन चेक करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह चेक करना है। समझ में आया, ये आपका भी ड्यूटी है, आपको भी करना है। कोई गलती होने का चांस है नहीं। अभी मुत्तू स्वामी ऐसा सोचेगा कि जाने देते हैं हो जाएगा पास, तो आपको क्या लग रहा है वो उसका गलती उसका गलती क्या होगा, आप लोग पकड़ लेंगे फिर तो आप क्या करेंगे, आपका अगर दुश्मन होगा तो आप क्या करेंगे, कहकर लेंगे कि नहीं लेंगे। समझ में आया ना, तो आप ऐसा मत समझो, आप ऐसा मत समझो कि आपका गलती होगा वो पकड़ा नहीं जाएगा। अभी तो मैं रिसीविंग इंस्पेक्शन ही पहुंचाऊं, अभी शॉप के अंदर ये मटेरियल को लेके जाएंगे तो शॉप क्यूसी चेक करेगा, शॉप के बाद वो मटेरियल जैसे ही उसका कांड होगा मतलब रोलिंग बोलिंग जो भी होगा एक्स वाई जेड होगा तो वहां पे भी चेक होगा, और एंड तक बहुत सारे क्वालिटी डिपार्टमेंट लोग इसको चेक करते हैं, आप अकेले चेक करने वाले नहीं है, तो आपको तो मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं। इसके लिए मैं हर बार बोलता हूं क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर को मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे, ओके हाँ बोलो। हाँ जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये तो इलेक्ट्रोड की बात थी, प्लेट की बात करते हैं, रुको जरा हमारे पास सब है, टेस्ट सर्टिफिकेट डिमांड, ये भी क्या है इलेक्ट्रोड का ही लग रहा है, हैं E7018 का है, और एक निकालते हैं ER309 का है, और निकालते हैं और निकाल, देखो ये किसका है, कार्बन स्टील पाइप्स का है, किसका है कार्बन स्टील पाइप, अभी ये पाइप का है ना, यहाँ पे क्या लिखा है कोई बोलेगा, सभी लोग 3.1 ही लेते हैं ज्यादातर, क्यों कॉस्ट थोड़ा कम पड़ेगा, और लोग अभी ये कंपनी भी बड़ा होता है इसके लिए उसके ऊपर लोगों को भरोसा भी रहता है। कहां पहुंचे थे हम लोग, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, वेस्ट बंगाल से है ना, क्या नाम है आपका, रजनीकांत हुसैन, अरे वाह रजनीकांत का कोई मूवी आया नहीं, आने वाला है, जेलर आया था, गुड गुड, हम बहुत बड़े फैन है भाई सलमान खान के भी बहुत, बस हाँ हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, उसका मूवी आता है ना पहुंच जाते हैं, शाहरुख खान का मूवी आता है पहुंच जाते हैं, अक्षय कुमार का आता है पहुंच जाते हैं, हाँ कौन सा आ रहा है, टाइगर वापस जिंदा है। चलो भाई आपका क्या क्वेश्चन था बोलिए, ओके 3.1 का मतलब ये हुआ, समझ लो ये पाइप है, फॉर एग्जाम्पल ये पाइप मैन्युफैक्चर, ये मेरे हाथ में अभी क्या है पाइप है ना, ये पाइप जो है उसका फॉर एग्जाम्पल ये टीसी है, ऐसा समझ लो ये टीसी उसका है, ठीक है ये पाइप का, अभी ये जो पाइप बनता है तब आपने परचेज ऑर्डर बनाया होगा आपकी कंपनी ने, हमको तो इतना पाइप चाहिए, यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी लिखा होगा, और ये कौन सा मटेरियल का ग्रेड है, एएसटीएम A333 ग्रेड 6 2018 ऐसा करके है, ठीक है यहाँ पे देखो लेंथ लिखा है ना, यहाँ पे ODID लिखा है, थिकनेस लिखा है, क्या लिखा है ओडी, उसका टोटल लेंथ कितना पीस है यहाँ पे लिखा है 12 पीस, उन्होंने मंगवाया परचेज ऑर्डर है, मैंने 12 पीस का दिया होगा शायद ये पीस आया होगा, तो यहाँ पे इन लोगों ने परचेज ऑर्डर में क्या डाला होगा 3.1 डाला होगा, 3.1 का मतलब क्या हुआ, वो 12 का 12 पीस हमको भेजो, इसका एमटीसी के साथ भेजो, लेकिन इसका क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो आप ही की कंपनी का रहेगा, और आप ही के कंपनी के कोई दूसरे मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है ना, ये मैन्युफैक्चरर जो भी होगा उसने पाइप बनाया होगा, तो मैन्युफैक्चरर में जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद ये चेक करेगा नहीं, वो कोई और ही डिपार्टमेंट का मतलब क्यों सी डिपार्टमेंट हो गया, और डिपार्टमेंट तो चेक करके कौन है,
क्यूसी डिपार्टमेंट। तो क्यूसी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी का, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड का दूसरी कंपनी जो है, सॉरी यही सेम कंपनी का क्यूसी डिपार्टमेंट, ये टीसी चेक करेगा, ये प्रोडक्ट भी चेक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा यहाँ पे स्टैंप लगाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही जगह पे अगर यहाँ पे EN10204 टाइप 3.2 होता तो समझ लो वो वेंडर है, वो वेंडर है, ये मतलब यही है ना, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, उसको ऑर्डर L&T ने दिया है, ठीक है। ओके, अभी मुझे ये बोलो इसको कौन कौन चेक करेगा अगर ऐसा है तो? पहले महाराष्ट्र वाला का कृषि डिपार्टमेंट चेक करेगा, उसके बाद L&T। अभी दूसरी बात, L&T डिसाइड करेगा कि TPI रखना है कि नहीं रखना है। वो क्योंकि उसका पैसा, TPI का पैसा कौन देगा? L&T TPI को देगा पैसा कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ अपना मतलब इंस्पेक्शन करके आओ और हमारा प्रोडक्ट है वो देख के आओ। अगर L&T के पास टाइम है, L&T के क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास टाइम है, तो वो खुद जाएगा और क्या करेगा, इंस्पेक्शन करके आएगा। समझ में आया? अगर L&T को आपने QC वाले के ऊपर भी भरोसा नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है भाई, ऐसा कंडीशन आता है, तो वो क्या करता है, TPI को भी हायर करता है, उसका क्वालिटी वाला भी चेक करेगा, TPI भी चेक करेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि महाराष्ट्र XYZ कंपनी है, जो भी है XYZ कंपनी है, वो उसके कंपनी QC वाला आएगा उसको क्या करेगा, समझ में आया कि नहीं यार, पैसा खिला देगा, और करप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और TPI जो होता है ना, वहां पे करप्शन कम हो जाता है, क्योंकि TPI को कौन सैलरी देता है? L&T। ओके, TPI को L&T प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन डायरेक्टली TPI को L&T से कोई कॉन्टेक्ट रहता है? नहीं रहता है। वो TPI कोई XYZ कंपनी है, जैसे कि TUE Nord है फॉर एग्जाम्पल, SGS, IC, बहुत सारी कंपनी है आजकल मार्केट में, लॉयड रजिस्टर्ड है, वो सैलरी उसी को वो कंपनी वाला देने वाला है। समझ लो मैं TUE Nord में काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो TUE Nord मुझे कंपनी में सैलरी देने वाला, फिर मैं क्या करेगा, वहां पे महाराष्ट्र सीमलेस पाइप में चेक करने जाएगा, तो मुझे और L&T से ज्यादातर मतलब नहीं होगा, भले ही हायर मुझे किसने किया है, L&T किया है, लेकिन मेरा उससे कोई मतलब नहीं रहता, तो करप्शन का चांसेस कम हो जाता है। समझ में आया? एक सिस्टम बनाया गया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, ओनली एंड ओनली लोग ऐसा सोच के आते हैं कि हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट में या तो फिर अच्छे से नॉलेज मिल जाए, या तो TPI के तौर पे हम लोगों को अच्छे से सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट मतलब ये TPI भी हुआ ना इसमें, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, डिस्टिलेशन इंस्पेक्टर, हाइड्रोटेस्ट इंस्पेक्टर, समझ में आया ना, ये इंस्पेक्टर का कोर्स है, सब लोगों का कॉमन कोर्स है, कैसा है, कॉमन कोर्स है, समझ में आया ना। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सब चीजें यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन है, क्या है, ये एक्चुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम केमिकल कंपोजिशन है, रिक्वायर्ड है, क्या है, रिक्वायर्ड, ऐसा रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, किसके हिसाब से, STM A33 ग्रेड 6 के हिसाब से, साहब ASTM, अभी पहले ASM ही चल रहा था, अभी ASTM, तो भाई अगर ASTM से कोई मटेरियल बनेगा तो उसको A333 ग्रेड 6 होगा, अगर ASME से बनेगा तो SA333 ग्रेड 6, ये सब एक दूसरे के भाई है, समझ में आया, ASME या ASTM, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, ASTM, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, दोनों का मोस्टली उसने इसको हायर किया, इसको उसने हायर किया है। मैं आपको बोलता हूँ ना, मेरा खेत है, मेरा खेत पानी मेरे को ज्यादा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे को चढ़ा देंगे ना, अब तू ले जा रेंट पे चल, समझ आया नहीं आया, तो ऐसा ही है, नया कोई रॉकेट नहीं है, एडॉप्ट करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नया वर्ड इंग्लिश वर्ड है उसका, एडॉप्ट करना, क्या बोलते हैं, एडॉप्ट करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे रूल्स के हिसाब से इतना है, ये यहाँ पे ये सब चीज जो केमिकल कंपोजिशन है, ये सब चीज वो उसके हिसाब से है कि नहीं है, वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। ओके, ये अगर आप ASTM खोलेंगे ना, तो वहां पे ये सब चीज सेम दिया है, उसके बाद ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है,
यहाँ पे पूरा टेंसाइल इम्पैक्ट टेस्ट हार्डनेस ये सब चीज लिखा हुआ है, एनडीटी किया है कि नहीं किया है, डायमेंशन चेक किया है कि नहीं किया है, बीवेल बराबर है, बैंड टेस्ट वगैरह किया है कि नहीं किया है, डिलीवरी कंडीशन क्या है, कौन सा फुली स्किल्ड फाइन ग्रेन प्रैक्टिस वगैरह, कौन सा मैक्रो माइक्रो हुआ है कि नहीं हुआ, वो सब चीज रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे भी लिखा, आपको खाली क्या देखना है। ओके यहाँ पे लिखा है, हाँ है क्या, हाँ है, यहाँ लिखा है क्या, हाँ हार्डनेस, हार्डनेस भाई 340 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 पकड़ा, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना मिला हमको, 250 मिला, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इधर 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 किस कहाँ चाहिए मटेरियल आया है, ओ भाई इधर ये नहीं चलेगा, देख कोर्ट में ये बोल रहा तुम ये लेके आया, नहीं चलेगा जा भाग, बराबर उसको पिचकाएंगे, क्या करेंगे पहले तो उसको कह के लेंगे, बोल के फिर क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे बड़ा सा तगड़ा सा, फिर पूरी दुनिया को हम मेल करेंगे, इसने हमको ऐसा हार्डनेस में ये हार्डनेस मैच नहीं हो रहा है, आपने जो प्रोडक्ट भेजा उसमें ऐसा ऐसा लोचा है, एज पर कोड ESTM A333 ग्रेड 6 के चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे कांड हो गया है, आपने गलती कर दिया, फिर वो क्या करेगा पता है, अरे अलीबाबा होगा तो आप किधर भी उसको फंसा सकते हैं या तो आप उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं, अलीबाबा कहाँ होगा, सर ड्राफ्टिंग एरर है वो गलती से लिख दिया गया, ऐसा कैसे गलती से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में गलती कैसे हो सकता है, समझ में आया, आपको पकड़ के कह के लेना, वो कह के लेने के लिए मैं आने वाले टाइम में समझाएगा, अभी टाइम नहीं है, ठीक है, अभी मैं दूसरा बात समझा रहा हूँ तो वो अभी समझा, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे रिमार्क्स मार्किंग स्टैम्प जिंदाल का है कि नहीं है वो सब चीज यहाँ पे होगा। ओके अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े थे यार, कहाँ थे, हाँ यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट, मिल्क टेस्ट सर्टिफिकेट समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, अभी हम आते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट ARM, अभी GRM होता है वैसे ये ARM होता है, समझ लो कोई आपको फ्लैंज चाहिए, फॉर एग्जांपल ये फ्लैंज चाहिए, आपने ड्राइंग के हिसाब से लिख दिया, ASTM के हिसाब से भी लिख दिया, ASME के हिसाब से भी लिख दिया, ऐसा ऐसा चाहिए, लेकिन ASME में हार्डनेस नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, एडिशनल रिक्वायरमेंट डालेंगे, भाई 200 से ज्यादा हार्डनेस नहीं चाहिए हम करो, हमारा जो प्लान है ना उसमें 200 से ज्यादा हार्डनेस चाहिए नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, 200 से ज्यादा हार्डनेस चाहिए, ये जो चीज आपका हो गया ASME में जो नहीं है और एक्स्ट्रा आपको चाहिए वो चीज जो हो गया वो क्या हो गया, एडिशनल रिक्वायरमेंट हो गया, क्या हो गया, मैं आपको बोलता हूं दूसरे तरीके से, समझ लो आपका मटेरियल है वो कोरोजन टेस्टिंग होना चाहिए, IGC प्रैक्टिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरग्रेन्यूलर कोरोजन, आपका मटेरियल में कोरोजन वगैरह सब चीज बहुत लोचा है, क्योंकि आपको वो जो मटेरियल यूज करने वाला है वो समंदर के अंदर यूज करने वाला है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट समंदर के वहां पे अगल बगल में है, वो ऐसा एनवायरमेंट जहां रस्टी एनवायरमेंट है, कैसा है, आपने फ्लैंज मंगवाया, हम मानते हैं कि ASME के हिसाब से मंगवाया, ASME सेक्शन 2A के हिसाब से मंगवाया, रूल्स एंड रेगुलेशन उसका, लेकिन ASME सेक्शन 2A में फॉर एग्जांपल कुछ रूल्स नहीं है और आपका वो जो फ्लैंज है वो अलग जगह पे कोरोजन रजिस्टर्ड एरिया में यूज होने वाला, कोरोजन जहां पे है वैसा एनवायरमेंट में यूज होने वाला, तो आप एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या बनाएंगे, ये IGC प्रैक्टिस होना चाहिए, इंटरग्रेन्यूलर कोरोजन उसमें जो है वो टेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से उसका टेस्टिंग होना चाहिए और ये टेस्टिंग के रिजल्ट जो है वो ऐसे ऐसे होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए, बात समझे कि नहीं समझे, तो ये जो हुआ वो एडिशनल रिक्वायरमेंट हुआ, क्या हुआ, टीवी लेने जाते हैं आप तो आप ऐसा बोलेंगे टीवी वाले को, भाई यहाँ पे तो एक ही स्लॉट है, हमारा दो दो पेन ड्राइव घुसे ना ऐसा स्लॉट चाहिए, क्या चाहिए, दो दो पेन ड्राइव घुसे एक ऐसा स्लॉट चाहिए, लेकिन टीवी में कितना स्लॉट होगा, एक ही स्लॉट होगा, तो आप मैन्युफैक्चरर को कॉल करेंगे, ज्यादा पैसा भी देंगे और क्या बोलेंगे, हमको वही सेम टीवी बना दो लेकिन क्या चाहिए उसमें, दो स्लॉट वाला टीवी दे दो, बात समझे, ये जो सब चीज हुआ उसको बोलते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट, क्या बोलते हैं, अभी मुझे इसमें सी नंबर समझ आना है, बाकी अभी डी में आते हैं, डायमेंशन रिपोर्ट, डायमेंशन रिपोर्ट भी होना चाहिए, मैं आपको बोला ना जब कोई भी मटेरियल कंपनी के अंदर एंट्री करता है तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट में परचेज ऑर्डर आपको समझा दिया कैसे होता है, ओ चाचा ओ भाई साहब परचेज ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया कैसे होता है, वाह भाई साहब बगल वाले ऑगस्ट वाले भाई साहब फोकस करो,
दोनों अगस्त वाले नीचे देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कच कांड है। देखो आज तो बाल कटवा के भी आया ना। अगस्त में मैं बोला था आप हेयर कट कर दो क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंपनी में ऑफर लेना है तो थोड़ा प्रोफेशनल दिखना पड़ेगा। डेढ़ महीने के बाद बाल कटा, लेकिन कटवाया, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सर्टिफिकेट क्या, परचेज ऑर्डर कैसा बनाना है वो समझाया आपको। टेस्ट सर्टिफिकेट किसको चेक करना है? क्यूसी डिपार्टमेंट को चेक करना है। वहां पे हमरा मत्तु स्वामी गया था, उसने चेक किया है वेंडर के टाइम में, जो प्रोडक्ट 3.2 था इसके लिए उसने किया, तो हम नहीं चेक करेंगे ऐसा घंटा चलेगा? नहीं, आपका डिपार्टमेंट क्यूसी है, आपका काम है वापस चेक करना हर चीज का। आपका जो काम है ना वो आपको करना ही, आगे वाले ने किया नहीं किया वो छोड़ दो, क्योंकि आगे वाले ने कुछ गलती किया ना आप पकड़ेंगे। अगर आपने भी ऐसे ही जाने दिया तो तीसरा जो कोई क्यूसी होगा ना वो पकड़ेगा। समझ में आया? किसी ना किसी को तो लगेगी। क्वालिटी मैनेजर क्या करता है? वही करता है, पकड़ता रूट कोज, कहां से लूप वॉल टूटा। तुमने ओके चेक किया, तुमने पकड़ा क्या, तो इसका मतलब आगे वाले ने गलती किया होगा, या आगे वाले में उसके बीच में कुछ कांड किया होगा, या तो ट्रैवलिंग में कुछ लोचा होगा, या तो एक जगह से मटेरियल दूसरी जगह रखने में प्रॉब्लम। किसको? वो रूट को पकड़ता है कि प्रोडक्शन वाले ने गलती किया, वर्कर ने गलती किया, वेल्डर ने गलती किया, उठाने के टाइम पे गलती किया, या आगे वाले क्यूसी ने गलती किया, किसने किया। उसका काम रिसर्च करना है। क्या करना है? वो रिसर्च करेगा, एनसीआर बनाएगा और रिसर्च करेगा गलती कहां हो और आपको कहां लग रहा है। वो गलती नहीं पकड़ पाएगा। क्वालिटी डिपार्टमेंट पुलिस वाला है। क्या है? और अगर हमारा कंपनी का मैनेजर उसे पैसा खा लिया हुआ तो मिला होगा, ऐसा हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। इसके लिए तो हमारा क्वालिटी लूल होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? ऐसा हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं बोला ना XYZ कंपनी में हमने एक पकड़ा एक आदमी को और उसको बाद में निकाला भी, पैसा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कैसे रंगे हाथों? ऐसा हो सकता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट मतलब एक टाइप का पुलिस वाला। कैसा? लेकिन किसका पुलिस वाला? ऑयल एंड गैस सेक्टर जो इंस्पेक्शन करना है उसका पुलिस वाला। समझ में आया? अभी मुझे ये बोलो, पुलिस वाला रिसर्च करना अगर चाहेगा तो क्या एंड तक, एंड तह तक नहीं पहुंच सकता है? मेरे गांव की बात करता हूं, मेरा गांव भावनगर के नजदीक में है। 20 साल से कोई ओडिशा से भागा हुआ लड़का, लड़का और लड़के वो दोनों हस्बैंड वाइफ, 20 साल से उसने 20 साल पहले मर्डर किया था। कितने साल पहले? 20 साल पहले मर्डर किया था। वो हमारे गांव में XYZ में खेत में काम कर रहा है। कहां कर रहा है? खेत में। वो कांदा बोते पता है ना, ऐसा करके छोटा छोटा कांदा होता है ना वो बोते है, और वहां पे करीबन 1.5 से 2 साल से काम कर रहा है। कितने साल से? 1.5 साल से 2 साल तक वो रनिंग काम कर रहा है। और कहां पे कांड किया उसने? ओडिशा में। पुलिस उसको 20 साल के बाद ढूंढते 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 वो खेत में गई और उसको रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ मतलब उसको पकड़ा। समझ में आया? अगर पुलिस चाहे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आप किसके पुलिस वाले हैं? क्वालिटी डिपार्टमेंट है। आप ऑयल एंड गैस सेक्टर मेटल डिटेक्टर है। क्या है? मेटल डिटेक्टर, जासूस है। क्या है? जासूस है। अभी मुझे बोलो, आप अगर नॉलेज है आपके पास नॉलेज है तो क्या आप पकड़ नहीं सकते किसने गलती किया है, कहां पे गलती किया है? समझ में आया? तो यही चीज है। इसके लिए आपको तो गलती माफी नहीं है, आपको तो गलती करना ही नहीं, क्योंकि गलती करने वाले लोग दूसरे हैं। उसको क्या करना है? आपको पकड़ना है। समझ में आया? बातें समझ में आई? समझ रहे हो? समझ रहे हो? खान साहब के मामा के लड़के, समझ रहे हो? ओके गुड। यहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। वो खान सर पटना वाले पता है ना, उसके मामा के लड़के भी आप ही के साथ पढ़ रहे हैं। समझ में आया? तो ऐसा मत समझ लेने का कि हम लोग अकेले पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं और पढ़ते भी है, लोगों को पता भी है। कितने लोगों को पता? हाथ भर लो। गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, डायमेंशन रिपोर्ट वो तो होना ही चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। डायमेंशन रिपोर्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए। अगर डायमेंशन रिपोर्ट नहीं है तो आपको स्टोर कीपर को या तो स्टोर कोऑर्डिनेटर को बोलना है, हाय विदाउट डायमेंशन रिपोर्ट ऑफर कर रहा है। दूसरी पर कह के लेंगे, क्या करेंगे? कह के लेंगे रिपोर्ट बनाने का पहले, अदरवाइज हम यहाँ पे आएंगे ही नहीं। तो ये सब चीज, चारों चीज हो गया, उसके बाद आपको इंस्पेक्शन स्टार्ट करना है। बात समझे? हाँ बोलो। डायमेंशन रिपोर्ट स्टोर बनाएगा,
स्टोर भी बना, वहां से आएगा, वहां से आएगा, कंपनी के अंदर से आएगा, जहां से हमने प्लान्स खरीदा है वहां से आएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, सबके पास है। क्या 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 हाँ, परचेज ऑर्डर बनाने में प्लानिंग इंजीनियर का क्या रोल है ना? अभी देखो, रिलायंस ने L&T को ऑर्डर दिया, दो साल के बाद हमको प्रोडक्ट चाहिए भाई, दो साल के पास टाइम है। अभी उसमें ड्राइंग भी अप्रूव है, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? सभी का फॉलोअप करेगा। अब भाई अभी तक ड्राइंग नहीं बना यार, मेरे को दो साल में देना, दो वीक में तुम ड्राइंग बना दो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। और ड्राइंग को खाली ड्राइंग वाले को भी कॉल करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को भी कॉल करेगा, अरे भाई तू जल्दी से BOM ले और परचेज कर, जल्दी से जल्दी कोटेशन निकालना स्टार्ट कर। और QC वाले को कॉल करेगा, भाई तू एक काम कर, ITP वगैरह सब अप्रूव करना स्टार्ट कर यार, समझ में आया? तुम यार प्रोसीजर बनाना स्टार्ट कर, इतना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्राइंग बन गया, ये सबको कॉम्बो करेगा। कौन करेगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट एकत्रित करेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट। ओके, अभी परचेज हमने किया, परचेज किया तो प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या लिखेगा कि दो, वो परचेजर को बोलेगा भाई कितने दिन में मेरे को प्लान मिलेगा 100। परचेज डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई आपको मिनिमम 2 वीक लगेगा, तो यहाँ पे क्या डालेगा? मिनिमम 2 वीक। 2 वीक के बाद तुरंत परचेज डिपार्टमेंट को कॉल, कहा भैया तुम बोल रहे थे 2 वीक में मिलने वाला, अभी तक मिला नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा शेड्यूल खत्म हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे को बहुत लॉस गया, समझ आया? क्या क्या लेगा वो? अरे इसके लिए सभी डिपार्टमेंट का एक अपना अपना रोल है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा निकल सकता नहीं है। हाँ बोलो, हाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्वालिटी डिपार्टमेंट काम बराबर नहीं करेगा ना, तो ड्राइंग वाले को भी गलती, ड्राइंग वाले को भी प्रॉब्लम, प्रोडक्शन वाले को भी प्रॉब्लम, सभी लोगों को प्रॉब्लम। मतलब एक कॉम्बो। हमारा घर होता है, हम शादी करते हैं, तो शादी करते हैं तो वाइफ के बिना कोई बना के देगा खाना है का? तो ओके, अभी वाइफ को पैसा ही नहीं मिलेगा तो वो बना के देगी? तो एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं, समझ में आया ना? तो ये कंपनी है, वन ऑफ द फैमिली है, वो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी बंदा छटक सकता नहीं है। स्टोर कीपर नहीं होता तो क्या होता? क्वालिटी डिपार्टमेंट काम कर पाता? अगर वेल्डर ही नहीं होता तो क्वालिटी डिपार्टमेंट काम करेगा? हेल्पर ही नहीं है तो वेल्डर को कौन हेल्प करेगा? और वेल्डिंग ही बराबर नहीं मारेगा, समझ में आया? सब लोग एक दूसरे, कॉर्पोरेट वर्ड है, कैसा है? कॉर्पोरेट वर्ड, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और एक क्वेश्चन है, जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था, हाँ, उस कंपनी में जो भी चीज मटेरियल जो भी है, मान लीजिए प्लांज आया, गास्केट आया, चलो जो भी है, तो उनके परचेज ऑर्डर में टेस्ट सर्टिफिकेट भी आता है। उसके बाद कंपनी का एक लैब होता है, हाँ, उस लैब में उस मटेरियल को टेस्ट किए जाते हैं, हाँ, उस लैब में प्रोडक्ट होता है वो आता है, उसके साथ MTC भी आता है, लेकिन फिर भी हमारा कंपनी क्या करता है, वो उसका प्रोडक्ट का कुछ पार्ट काट के फिर लैब में बेचते और चेक करवाते है ना? MTC गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? बोल सकता, मैं बोला ना अच्छे से प्रिंट निकाल देगा वो और बोल देगा MTC ओरिजिनल है ना? तो ये पहले मैं फिनिश कर देता हूं। देखो ये प्लेट है, क्या है? प्लेट है। ये प्लेट का MTC मुझे तीरथ भाई ने दिया। क्या नाम है आपका? तीरथ भाई ने दिया। नाम याद रह गया, पिछली बार एक अशरफ भाई थे, उसका नाम याद ही नहीं रहता था, क्या नाम था उसका, अभी भी भूल गया। ओके, अशरफ भाई जैसा ही कुछ नाम था। ओके, अभी ये प्लेट आया, ठीक है, प्लेट का MTC आया, प्लेट कंपनी के अंदर आ गया, आप क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले, आपने डायमेंशन लेंथ वेट वगैरह चेक कर लिया। ओके, दूसरी बात, आपने थिकनेस भी चेक कर लिया। ओ चाचा, कहां गया थिकनेस मीटर? हाँ, यहाँ पे है, देखो ये थिकनेस मीटर है। क्या है? थिकनेस मीटर। देखा है कि नहीं देखा किसी ने? देखा है ना, UTG। ये थिकनेस मीटर से भी आपने थिकनेस भी चेक कर लिया, ऑयल डाल के सब थिकनेस वगैरह, सब प्लेट वगैरह चेक कर लिया, डायमेंशन वगैरह चेक कर लिया, उसका MTC भी ओरिजिनल आया, वो भी आपने चेक कर लिया। क्या किया? MTC ओरिजिनल आया, वो भी चेक कर लिया, लेकिन आपको भरोसा नहीं है MTC ओरिजिनल है कि नहीं। इसके लिए क्या होगा, ये जो प्लेट्स है उसका कुछ पार्ट यहां से कोने से थोड़ा पार्ट टेस्ट पीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट पीस, वो काट के लैब में भेजा जाता है और लैब में चेक करवाया जाता है। क्या चेक करवाया जाता है? कि भाई ये MTC, मतलब
ये चेक करो ये बराबर है कि नहीं है। अभी लैब में अंदर क्या होगा, लैब के अंदर माइक्रो होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे आईजीसी भी कर दो तो आईजीसी भी होगा, फॉर एग्जाम्पल वो लैब के अंदर केमिकल कंपोजिशन भी चेक करना तो केमिकल कंपोजिशन भी चेक होगा। वो केमिकल कंपोजिशन आप किससे मैच करेंगे, एएसएमई सेक्शन 2C से मैच करेंगे। एएसएमई सेक्शन 2C के हिसाब से बराबर है, अगर नहीं है तो वहां पर प्रोडक्ट फेल। ये तो आपने अलीबाबा माल पकड़ा दिया है, क्या जमान अलीबाबा सब बराबर। दूर से डूंगर है ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन पांच जाके देखा तो वहां पे कुछ है नहीं। समझ में आया, ऐसा हो जाएगा आपको डुप्लीकेट माल। ओके, टेस्ट सर्टिफिकेट आया, किसका टेस्ट सर्टिफिकेट, लैब से। वो लैब का टेस्ट सर्टिफिकेट आप किससे वेरीफाई करेंगे, एएसएमई सेक्शन 2 के हिसाब से वेरीफाई करेंगे। तो काम खत्म, घंटा खत्म नहीं। फिर इसके बाद वो टेस्ट सर्टिफिकेट किससे मैच करेंगे, एएमटीसी से भी मैच करेंगे कि भाई एएमटीसी में ऐसा है, इसमें ऐसा है ना, सब बराबर है ना। समझ में आया, ये यहाँ पे भी वेरीफाई होगा और एएसएमई से भी वेरीफाई, क्योंकि ये ओरिजिनल काम है। क्या है, लेकिन यहां से काम खत्म होता है, वहां पे भी अलीबाबा होता है, वहां पे भी क्या है पता है। हाँ, मेरा प्लेट काटने के लिए काट के वो लैब में गया, एक्स वाई जेड लैब में गया, भाई ये इसका एमटीसी है थोड़ा देख लेने का, थोड़ा गड़बड़ी वाला माल पकड़ा दिया है, थोड़ा पैसा दे देंगे, ऐसा होता है मार्केट में। तो उसको कौन रोकेगा, उसको कौन रोकेगा? तो मैं आपको समझाता हूं, उसके लिए भी क्यूसी होता है। क्यूसी वहां पे क्या करते हैं, लैब में जहां पे टेस्टिंग होता है वहां पे जाके क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। मशीन क्यों नहीं गलत बोलेगा, मशीन का तुरंत जो भी है ट्रक वीडियो बना लेगा और वहां पर पूरा नोट कर लेगा। समझ में आया, तो आप ऐसा सोचते हैं कि हम निकल जाएंगे, नहीं, कोई चंगुल से नहीं निकल सकता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट का पावर ही ऐसा है, किधर से भी किधर, मैं बोला ना 20 साल पहले मर्डर किया हुआ लड़का लड़की, मतलब हस्बैंड वाइफ थे वो, उसको वहां से ओडिशा की पुलिस आई और उसको पकड़ गए। तो पुलिस अगर चाहे ना तो किसी को वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसमें भी करप्शन होता है कि नहीं होता है। तो यह समझ में आ गया ना, पूरा पूरा सिस्टम समझ में आया ना। क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो पुलिस है, और किसका पुलिस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर मेटल का पुलिस है। और इसमें भी बहुत डिपार्टमेंट है, पुलिस में क्या हवलदार नहीं होता है, पुलिस में आईएएस नहीं होता है, डीजीएस मिंग मिंग बिंग बम बम ऐसा सब चीज नहीं होता है, हमको नहीं पता है क्या क्या होता है, लेकिन ऐसा होता है ना स्टेज। तो यहाँ पे भी शॉप क्यूसी, इंस्पेक्टर क्यूसी, क्यूसी इंस्पेक्टर क्यूसी, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी सुपरवाइजर, क्वालिटी हेड, ऐसा होता है ना इसमें भी। समझ में आया, इसमें भी ऐसे ही डिपार्टमेंट है, मेरा ऐसा मानना है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आप जाओगे तो सबसे ज्यादा क्या करोगे, पैसा कमाओगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे बेस्ट अगर कोई फील्ड है तो क्यूसी फील्ड है। कौन सा है फील्ड, क्यूसी फील्ड। और सबसे ज्यादा रियली में आप पैसा छापोगे, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, आप रियल में पैसा छापोगे। गवर्नमेंट जॉब का बहुत लोगों को मोह रहता है, क्या रहता है, मोह रहता है। ओके, मुझे भी बोला गया था मेरे घर से कि आप गवर्नमेंट जॉब का ट्राई करो, लेकिन पहले से ही मेरे एक रिलेटिव थे, उसने मेरा माइंड फिक्स किया था कि नहीं, जाना है आपको क्यूसी डिपार्टमेंट में ही जाना। और जब से मेरा पास आउट होने के बाद अभी से मेरा करियर ऑनली एंड ओनली किस में है, क्यूसी डिपार्टमेंट में। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमको पता है गवर्नमेंट में मैक्सिमम। फिर मैं उसको ये भी क्वेश्चन पूछा था, आपको क्या लग रहा है, हम तो टेढ़े टेढ़े लोग रहते हैं ना, कुछ लोग उस टाइम पे हम छोटे थे लेकिन टेढ़े थे। हमने पूछा कि भाई गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम सैलरी कितना होता है, 35 तो मिल ही जाएगा। ओके, ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना कमा सकते हो। तो हमको वही चाहिए भाई, पैसे का एक तो कमी है, ऊपर से गरीब है, तो हम पहले से क्या सोचेंगे, सबसे ज्यादा पैसा जहां मिलता है वही कम पहले करना है ना। तो इसी की वजह से मैं बोल रहा हूं, लोगों को गवर्नमेंट का मोह रहता है, लेकिन मैं आपको, आप बिलीव करिए, आप गवर्नमेंट में अगर जॉब करेंगे ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। कितना पैसा, 100 गुना। ओके, बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा। ओके, यहाँ पे सोफिस्टिन करके एक लड़का था साउथ का, सोफिस्टिन करके, मैंने बहुत बार बोला भी है एनडीटी वाले को। कितने लोग एनडीटी वाले रिपीट हुए हैं, 7 लाख पर मंथ। कितना सैलरी पर मंथ, यही चेयर से, ये जो जाली वाला है ना नीचे, वो कुछ रखने का जगह है, देखो जाली वाला चेयर, यही चेयर पे बैठता था, 7 लाख पर मंथ। यहां से ही इंटरव्यू हुआ उसका और यहां से गया है,
समझ में आया? तो और मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग कोई ऐसा इसमें से गर्व का उसका रिकॉर्ड तोड़िए। टूटेगा मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो कम से कम सोच तो रखते हैं। आप एक बार गोल फिक्स करो, आप गोल फिक्स करो कि भाई कुछ भी हो जाए गल्फ में जाना ही है। पहली बार तो पहली बार जाना है, थप्पा तो लगाना ही है। साउथ वाले लोग सबसे आगे, उसका रीजन क्या है पता है? उसको फॉरमैन का भी जॉब मिलेगा ना, कौन सा जॉब? फॉरमैन का भी जॉब मिलेगा ना, तो भी वो निकल जाएगा, थप्पा तो लग जाएगा ना। दूसरी बार हम है ना इंटरव्यूअर की कह के लेंगे कि गर्ल रिटर्नर है भाई, हमको इतना तो चाहिए, है ना। और हम लोग है ना पांच पांच साल रहता है, दस दस साल, पंद्रह पंद्रह साल, बीस बीस साल वाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग गल्फ का कोई चांस ही नहीं देता। तो कैसे चांस देगा? तुमको चाहिए मैनेजर का पोस्ट, और मैनेजर का तुमको पोस्ट चाहिए और तुम गल्फ रिटर्नर भी नहीं है। अगर आपको यहाँ का एक्सपीरियंस है तो वो गल्फ के लिए क्या गिना जाएगा? जीरो ही गिना जाएगा। आपको एक्सेप्ट ही करना है, कितना भी साल का एक्सपीरियंस हो आपका, वो एक्सपीरियंस गल्फ के लिए क्या गिना जाएगा? जीरो गिना जाएगा। ये साहब गल्फ रिटर्नर है, सर आप पहली बार गए थे, सबसे पहली बार कौन सी पोस्ट से गए? मैं मेरी बात करता हूं, मेरा जो वीजा ना वेल्डर का था, आप बिलीव करो मेरा वीजा, भले भी वहां पे जाके इंस्पेक्टर का काम करवाया, लेकिन मेरा वीजा, मुझे वीजा जो मिला ना वो वेल्डर का मिला। ओके, आपको कौन सा पोस्ट से गए थे आप? स्ट्रक्चर मेटल हेल्पर, लेकिन आप कौन से पोस्ट वहां पे क्या काम करवाया, कौन से? फिटर का काम। देखो सबको फिटर का काम वहां पे करना पड़ा, लेकिन स्टैंप लग गया। अभी आपको क्या लग रहा है? एक लाख से अभी कौन सी कंट्री में है? दुबई में है। कितनी तारीख को सर आपका फ्लाइट है? 15 तारीख को फ्लाइट है। हमारा एनडीटी का जैसे क्यूसी का कोर्स फिनिश होगा ना, तुरंत उसका फ्लाइट है। और एक और बात सर, मेरा सैलरी कितना था? 1000 था। 1000 दिराम था। हाँ, मैं अपने फादर को बताया, मेरे को 1500 मिलता है, बताया मेरे को जाने नहीं को। समझ में आया ना सेंस? कितना लंबा सोच उसका, कितना लंबा सोच। अगर फादर को बोले होते कि 1000 दिराम ही है तो सर को जाने भी नहीं देते। और आज सर कितना सैलरी है? 4000 दिराम है, इसका मतलब 1,00,000 से भी अप्रोक्सीमेटली 1,00,000 के अगल बगल में। समझ में आया? कहने का मतलब फिटर से उसने स्टार्टअप किया, एक्चुअली वो फिटर थे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, छोटी पोस्ट से जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो गल्फ का आपको कुछ ना हो जाए, क्या आप चाहिए? थप्पा चाहिए। सोफेस्टीन करके एक लड़का गया और बहुत सारी कंट्री रिटर्नर था, तब जाके आपको अगर 7,00,000 रुपया पर मंथ सैलरी है, एक साल भी निकाल लिया, कितना पैसा हुआ? 12,00,000, 72,00,000, 84,000, 1,00,000,000 रुपया अगल बगल में हुआ, 1,00,000,000 रुपया एक साल में छाप हो गई। समझ में आया? ये तो उसकी बात है, उसके बाद तो सर्टिफिकेशन भी थे। तो हमको ये स्टार्टअप करना है, क्यूसी डिपार्टमेंट जो है ना वो स्टार्टअप है। क्या है? स्टार्टअप है। अच्छा अच्छा, फोकस करो यहाँ पे। हाँ, फ्राइडे है, नमाज पढ़ने जाना है, थोड़ा बस ये खत्म करते हैं। रिव्यू तो टेस्ट सर्टिफिकेट एज पर परचेज ऑर्डर, आपको रिव्यू सर्टिफिकेट रिव्यू करना है परचेज ऑर्डर के हिसाब से, एंड और रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल कोड के हिसाब से क्या क्या रिव्यू करना है? एमटीसी को रिव्यू करना है, किसके हिसाब से? क्योंकि परचेज ऑर्डर के हिसाब से मटेरियल आया है ना, परचेज ऑर्डर में लिखा है ऐसे 333 ग्रेड 6, लेकिन आपको कुछ अलग ही आ गया, ग्रेड 8 आ गया, तो चलेगा? नहीं। समझ में आया? तो परचेज ऑर्डर के हिसाब से आपको एमटीसी चेक करना है, कोड के हिसाब से आपको एमटीसी चेक करना है, ड्राइंग के हिसाब से आपको एमटीसी चेक करना है, क्योंकि परचेज ऑर्डर कहां से बनता है? ड्राइंग से बनता है, लेकिन ड्राइंग सही है, लेकिन परचेज ऑर्डर में लिखने में गड़बड़ी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके लिए आपको इसके हिसाब से भी एमटीसी चेक करना है, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी, कोड के हिसाब से भी करना है, और ड्राइंग के हिसाब से भी आपको क्या करना है? एमटीसी चेक करना है। उसके बाद खत्म नहीं होता है भैया, ए आर एम के हिसाब से भी आपको क्या करना है? चेक करना है। क्या चेक करना है? एमटीसी। और उसमें आपको क्या लग रहा है? फॉलोइंग बाय स्टैंप एंड साइन टेस्ट सर्टिफिकेट। टेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर साइन एंड स्टैंप है कि नहीं है? ऐसा ना हो कि ऐसे ही घुसड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? टाइप 3.2 है,
लेकिन उसमें खाली किसका साइन है? मैन्युफैक्चरर का क्वालिटी का ही साइन है तो चलेगा। टाइप 3.2 इसका मतलब क्लाइंट का भी साइन होना है, तुरंत आपका माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए, लोचा। क्या है? लोचा, गड़बड़ी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर रूट कोज वहां से स्टार्ट होता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है। किसका गलती? क्योंकि आप पुलिस वाले हैं, आप क्यूसी डिपार्टमेंट है, आप क्यूसी वाले, तो किसी को बख्शना नहीं है। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्किंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का मार्किंग जो है वो भी वेरीफाई करना, क्योंकि ओरिजिनल जो मटेरियल होगा तो उसके अंदर क्या होगा? मार्किंग होगा। क्या होगा? अच्छा, दिख रहा है, समझ लो, फ्लैंज है तो फ्लैंज के अंदर मार्किंग होगा ना, वो मार्किंग स्टैम्प होता है, हार्ड स्टैम्प। वो हार्ड स्टैम्प के बारे में कल में पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन देगा। हार्ड स्टैम्प जो होता है वो आपको चेक करना है, ऐसा ना हो कि एमटीसी तो कुछ भी घुसा सकता है, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन ओरिजिनल मार्किंग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, दोनों मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे हीट नंबर लिखा, वही हीट नंबर मारे यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे बैच नंबर एमटीसी में लिखा, बैच नंबर दिखाया था ना, वही बैच नंबर इसमें है कि नहीं, यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो नाम है वही प्रोजेक्ट का नाम है कि नहीं, वो सब चीज का यहाँ पे स्टैम्प होगा। इसको देखो, ये मैं पढ़ता हूँ, 150 क्लास WNRF SA105B 165S9XYZ, बहुत सारा ऐसा चीज लिखा है। देखा, ये पूरा मतलब ये 150 क्लास का फ्लैंज है। कितने क्लास का है? 150 क्लास का फ्लैंज है, और वो एमटीसी के अंदर भी होना चाहिए। उसका साइज, लेंथ, विड्थ, वो यहाँ पे क्या होगा? स्टैम्प मारा होगा। क्या होगा? स्टैम्प मारा होगा। ओके, चलो, आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ये तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है भाई? थोड़ा पढ़ो, जोर से पढ़ो, आप DAVE ऐसा कुछ लिखा, जोर से पढ़ो, DAVE CWI, एक मिनट, DAVE मतलब दवे, ओके, उसके बाद CWI 3 इंच 150 क्लास, 3 इंच का एक गास्केट है और 150 क्लास का है। कितने क्लास का है? ओके, और क्या लिखा है? B16, नहीं नहीं, ASME क्या लिखा है? ASME B16.2 क्या बोल रहा है? ASME B16.20, ठीक है, लाइट वगैरह नहीं है इसके लिए, यहाँ पे आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, लेकिन ओके, उसके बाद क्या लिखा है? CS-316 मतलब 316 ग्रेड मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? 316। तो ये सब चीज जो यहाँ पे लिखा है वही एमटीसी में लिखा है, वो आपको वेरीफाई करना है। बात समझ में आया? वेरीफाई करने का दूसरा भी तरीका है PMI, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। ऐसा भी हो सकता है एमटीसी में भी कुछ अलग डाल देगा और यहाँ पे भी सेम डाल देगा, ऐसा हो सकता है ना, अलीबाबा हो सकता है ना। तो आपको ऑन जॉब पे, मैंने बोला ना एक छोटा सा टुकड़ा काट के, लेकिन इसका तो टुकड़ा नहीं काट सकते, तो इसको PMI करना है। ये PMI मशीन से देखो, यहाँ पे PMI मशीन है, ये देखो यहाँ पे भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये फ्लैंज को चेक कर रहे हैं। देखा आपने, ये PMI मशीन है, यहाँ पे डिस्प्ले में सब चीज देख लिया जाएगा, सब चीज पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। कैमरामैन फोकस करो, कहाँ गए? बुला बुला। ओके, तो ये सब चीज भी होता है, PMI भी आप लोग चेक कर सकते हैं। समझ में आया? PMI में सब चीज कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, ठीक है। ओके, PMI में क्या क्या खुलेगा मैं आपको बोलता हूं। PMI में केमिकल कंपोजिशन खुलेगा, इसका फोटो लेने का और एमटीसी के साथ मैच करने का। सही है कि गलत है? कि एमटीसी में गलत लिख दिया है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये ऑन जॉब इंस्पेक्शन है। क्या है? तो कोई भी गलती होने का चांसेस नहीं है। आप ऐसा सोचोगे कि यहां पर गलती होगा, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। PMI दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो लंच के बाद हम लोग ये थोड़ा डेप्थ में दिखेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे है। ओके, तो यहां तक मैं रखता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, वेरिफिकेशन ऑफ द मेकिंग मटेरियल एंड फॉलोइंग शैल बी चेक्ड। आपको क्या क्या चेक करना है? साइज एंड रेटिंग चेक करना है मटेरियल का, उसका कितने साइज का आया है, ओरिजिनल PO में लिखा है या तो ओरिजिनल MTC में वही साइज का आया है। उसके बाद मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिखना, मटेरियल स्पेसिफिकेशन वगैरह सब बराबर आया है ना, ऐसा ना हो कि दूसरा ही मटेरियल आया हो, ठीक है। इसके बाद हीट नंबर लिखना है, मैन्युफैक्चरर नेम, थर्ड पार्टी स्टैंप है कि नहीं है, प्रोजेक्ट नेम। यहां तक मैं रखता हूं, लेकिन यहां के बाद में फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, इतना ही चलाया है। समझ में आया? हमने क्या किया है? खाली इतना ही चलाया है। ये पार्ट वन है, अभी पार्ट टू में नेक्स्ट लंच के बाद, नमाज पढ़ने के बाद आएंगे तो हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।